गुड आफ्टरनून एवरी वन बहुत कम आवाज गुड आफ्टरनून एवरी वन बहुत बढ़िया ये लास्ट में अकेला कौन था अकेला चलो रे डन जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं वॉइस वीडियो क्लियर है क्या और जो बच्चे थर्ड फ्लोर पर बैठ के कर रहे हैं वॉइस वीडियो क्लियर है क्या डोंट वरी हम यहीं हैं आपको प्रेशर भी फील हो रहा होगा मेरा अगर कोई चीज ऊपर से रखी जाए तो प्रेशर फील होना चाहिए ना डन अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा था कितने बच्चों ने मेरे को पहले देख रखा है और कितने बच्चों ने पहले नहीं देख रखा है अरे तो बैठाओ ना इधर चेयर्स देके बैठा दो पीछे बैठा दो नहीं तो मेरे पास बैठा हो दो चार जन को यहां पे और नेक्स्ट डे से 130 के बाद एंट्री नहीं करने देंगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व जाइए ना आजा पीछे है जगह है एक बच्चा एकदम उस लास्ट बेंच में जा पीछे तीन दीदी थी अरे क्या चीज के लिए हो जा एक बच्चा पीछे जाओ उधर इधर आने से पीछे कैसे जाएगा पीछे लास्ट बेंच ए जिसका आंख खराब है वो नहीं जाएगा चश्मा वाला नहीं जाएगा चला जा चला जा क्या कर रहा है मत करिए क्या कर रहा है क्यों वो तो अंदर गया हुआ था इसको बाहर कौन निकाला उसको बाहर उस, उस बेंच को बाहर कौन निकाला ए, ये लोग निकाला इधर इधर से जा पीछे इधर देख कोई नहीं है वो जो थे वो चले गए कोई दूसरा बच्चा बैग रख दिया इधर बैठ जा बैठ बैठ फटाफट बैठ फास्ट दीदी किसी को ढूंढ रहे हैं हाँ इधर 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 जहां बैग रखा हुआ है पर कोई है नहीं वो भी तीन तीन बैग रखा हुआ है तुम उसके पास ही बैठ जा एक जगह है है, है अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा दीदी जगह दे देना थोड़ा सा हो जाएगा एक एक पावर बार रख के बैठ ये रहा फर्स्ट बेंच शर्मा क्यों रहा है आ जा बैठ जा आ, वो लास्ट बेंच में जगा था तुम इधर से लास्ट बेंच में जा इधर से एकदम लास्ट बेंच प्रियांशु कौन है वो लास्ट बेंच हाँ भाई तुम उधर शिफ्ट हो जाए इधर बैठ जाएगा जल्दी जा, 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 जा।, जा चलो कोई बात नहीं ठीक है आकर्ष बिल्कुल डन इधर से चला जा लास्ट में अब जो है ना वो कौन है आप लोग कहां बैठेंगे वो बैग, बैग आप लोग ही रखे गए थे ऐसे बैग रख के जाना अलाउड नहीं है हेमंत डू वन थिंग तीन चार चेयर ला दो यहां बैठे ठीक कोई बात नहीं दीदी लोग आप लोग यहां बैठ एक ही बात है हम लोग भाई बहन है सब। हम लोग तुम लोग के साथ नहीं बोले तुम लोग बुरा मत मानना बस बस यहां पे आ रहे दीदी चेयर्स आ रहे हैं आप लोग यहां बैठ जाएंगे एक ही बात है अब हम लोग लड़का लड़की में भेद नहीं करते नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नो मोर सीट्स उनको नीचे चेयर्स देके बैठा दो नीचे बहुत जगह है थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दो मिनट रुकिए आइए ना इधर आइए ना दो yeah. मिनट वो बंद कर दीजिए ना चले जाइए देखिए उधर है वहीं बैठ जाइए वहीं पे वहीं पे लगाना इधर मत लाना चलो बस इधर किसी को भेजो ही मत ठीक चलिए वेलकम टू सी ए इंटर एवरी वन थैंक यू का जरूरत नहीं है हम वेलकम थैंक यू के लिए नहीं बोले थे वो दीदी लोग ही बोलती है दीदी लोग को अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो बोलेगे थैंक यू बोले तुम वेलकम भी नहीं बोल सकते हो जैसे चीखने के बाद एक्सक्यूज मी लड़का नहीं बोलता है और चीखने के बाद क्यों बोल रहे हो पहले ही बोल देते एक्सक्यूज मी हम हट जाते फिर चीख लेते तो ठीक है कोई बात नहीं है धीरे धीरे समझ जाएंगे दीदी लोग भी सीए इंटर सारे बच्चे अब शायद आज पहली क्लास या कोई सब्जेक्ट अगर आपका स्टार्ट हो गया तो आपने पढ़ाई शुरू कर दी है आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीए इंटर का पेपर वन पेपर का नाम है एडवांस अकाउंट्स और सौ मार्क का यह पेपर है जो आपको सीए इंटर में पढ़ने का है यह जो अकाउंट्स का पेपर है फाउंडेशन से लेकर फाइनल तक हर लेवल पे हंड्रेड मार्क्स का हंड्रेड मार्क का एक पेपर है फाउंडेशन में भी आपने सौ मार्क का अकाउंट्स पढ़ा इंटर में भी हम लोग सौ मार्क का अकाउंट्स पढ़ेंगे एंड फाइनल में भी सौ मार्क्स का हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे बस नाम चेंज होते रहता है फाउंडेशन में सब्जेक्ट का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स या प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इंटर में नाम हो गया एडवांस अकाउंटिंग फाइनल में नाम हो जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग खाली नाम चेंज होता है और वो नाम क्यों चेंज होता है वो भी समझाऊंगा जब मैं ये एडवांस अकाउंट सब्जेक्ट को समझाऊंगा आज हमारा एडवांस अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास है एंड टुडे इज एक्चुअली एन ओरिएंटेशन कि हमको इस सब्जेक्ट में किस तरीके से क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है पेपर पैटर्न वगैरह क्या रहेगा एंड हाउ विल गो फॉरवर्ड इन अवर सिलेबस सब्जेक्ट सबसे पहले तो नए सिलेबस में पुराने सिलेबस के दो सब्जेक्ट को मर्ज करके बनाया गया है पुराने सब्जेक्ट ऑफ सी इंटर में दो सब्जेक्ट हुआ करते थे एक अकाउंट्स और एक एडवांस अकाउंट्स सौ सौ मार्क के दो सब्जेक्ट हुआ करते थे टोटल दो सौ मार्क्स उन दो सौ मार्क्स के सब्जेक्ट को मर्च करके एक सब्जेक्ट बनाया गया एडवांस अकाउंटिंग सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज के दिन बच्चे के माइंड में है क्या सर रियली really दो सब्जेक्ट का पूरा का पूरा कंटेंट मर्च करके अब सौ में हम लोगों को परोसा जाएगा आंसर इज नो बिग नो वो हो ही नहीं सकता वो लॉजिकली इंस्टीट्यूट करेगा ही नहीं सी ए इंस्टीट्यूट का एक बहुत खास बात है जो भी काम करता है बहुत लॉजिकल करता है तो अगर मैं 200 मार्क्स के सब्जेक्ट को मिला के सौ मार्क्स करूंगा तो वो मोस्ट इन लॉजिकल डिसीजन हो जाएगा इंस्टीट्यूट ने जो कभी लिया होगा तो वो चीज तो पॉसिबल है ही नहीं इस सब्जेक्ट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आपने फाउंडेशन में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रखा है जर्नल करना लेजर करना ट्रायल बैलेंस बनाना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना तो इंटर में ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो आपका फाउंडेशन का बेसिक्स था ना वो और सॉलिड हो जाएगा एंड एक कंपनी का फाइनल अकाउंट बनता कैसे है और उसकी रिपोर्टिंग कैसे होती है वो आप सीखना शुरू कर देंगे मेनली हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्ण है ना कंसर्न वो है अकाउंटिंग रूल्स के ऊपर किसके ऊपर रूल्स मतलब जो आप लॉ और टैक्स से दो सब्जेक्ट पढ़ते हो ना लॉ लॉ तो नाम से ही लॉ है रूल्स है टैक्स भी आप जानते हैं इनकम टैक्स के रूल्स के बेसिस पे आप टैक्सेशन पढ़ोगे जीएसटी एक्ट के के रूल्स बेसिस पे आप टैक्सेशन पढ़ोगे जैसे लॉ और टैक्स दो सब्जेक्ट है आर फुल्ली रूल बेस्ड हमारा कहीं ना कहीं ये जो एडवांस अकाउंट्स का सब्जेक्ट बनाया गया है ना दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन प्रिंसि प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जब मैं इसका सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगा तो आप ये देखोगे हमको 90% परसेंट ऑफ दिलेबस में तो रूल्स पढ़ना है प्रिंसिपल्स पढ़ना है 10% परसेंट ऑफ दिलेबस ऐसा है जहां पर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं जहां पे मेरे को रूल्स कम यूज करना है डेबिट क्रेडिट ज्यादा करना है बट नाइन्टी परसेंट ऑफ दंसर्न विद रूल्स एंड रेगुलेशन तो सर इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग अकाउंटिंग कब करेंगे डेबिट क्रेडिट कब करेंगे इंटर का सिलेबस अब डेबिट क्रेडिट के लिए बना ही नहीं है जब मैं आपको सब्जेक्ट समझाऊंगा जब मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगा आप देखोगे डेबिट क्रेडिट वाला पार्ट जो बचपन में सीखा था उससे काम हो जाएगा इंटर लेवल पे तो लॉ पढ़ के उसका एप्लीकेशन सीखना है और उसको एप्लीकेशन में डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स में कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा ये नई जर्नी है पहली बार पहली बार आप भी और मैं भी इस जर्नी से गुजरूंगा पहली बार इसलिए क्योंकि आपका जो एग्जाम है नए सिलेबस का पहला एग्जामिनेशन जो आप देने वाले हो वो आप हो और किसी ने अभी तक एग्जाम नए सिलेबस में नहीं दिया है और मैंने भी अगर नया सिलेबस का कोई बैच पढ़ाया है तो ये वो पहला ही बैच होने वाला है अभी तक मैंने नए सिलेबस का कोई और बैच पढ़ाया ही तो पूरा जर्नी जितना आपके लिए नया है ना उतना ही अविनाश संचेती के लिए भी नया है नई जर्नी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या होता है सबसे अच्छा फायदा यह होता है हम लोग ना वो वो नहीं देख पाते कि भैया कब खत्म होगा कब खत्म होगा कब खत्म होगा हम लोगों को बस जर्नी को ना कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते जाना है और एक दिन ऐसा अपने आप आ जाएगा जिस दिन हम लोग बोलेंगे एवरीथिंग इज कंप्लीट नाउ यू गो होम एंड स्टडी बट एक चीज बोल देना कि मैं तो नब्बे क्लास के अंदर ही तुमको एडवांस अकाउंट्स पढ़ा दूंगा दिस इज बुल शिट बिकॉज आई डोंट नो माई सेल्फ कि मैं पढ़ाऊंगा तो कितना समय लगेगा और आप कितने समय में उन चीजों को लेकर चले जाओगे बहुत बार ऐसा होता है लोग बोलते हैं कि यार सर फाउंडेशन में आपकी कितनी क्लासेस होंगी भैया मेरे को नहीं पता मेरी कितनी क्लासेस होंगी क्योंकि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो हर टर्म में बदलते हैं कोई टर्म में इतने शार्प बच्चे आते हैं जिनको एक बार बोलने के बाद सारा चीज दिमाग में बैठ गया मेरे को एक ही बार बोलना पड़ता है कोई टर्म में ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको दो बार बोलना पड़ता है तीन बार बोलना पड़ता है चार बार बोलना पड़ता है तो क्या टाइम हर बार सेम रहेगा कि इट 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 शुड शुड चेंज नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर सर आप चेंज नहीं कर रहे हो और आप वैसे ही पढ़ा रहे हो जैसे आपने लास्ट बैच में टॉपर्स को पढ़ाया था तो सर ये वाला बैच का तो लग जाएगा तो वी डोंट नो आई डोंट नो माई सेल्फ कि हम लोग टोटल कितनी क्लासेस लेने वाले हैं बट आई नो दिस थिंग जिस दिन हम लोग एक चैप्टर एक टॉपिक एक क्लास और एक सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे उस दिन आपका वही क्लास टॉपिक सब्जेक्ट और सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके बाद आपको उसको पढ़ने का दरकार पढ़ना हम लोग इस तरीके से पढ़ाई करेंगे कि जिस दिन मैं कोई चैप्टर कंप्लीट करूं और आपने उसके ऊपर एक अडिक्वेट टाइम दे दिया हो आपको कभी भी वापस जाके वो चैप्टर वापस खोल के देखना ना पड़े हम लोग क्लासेस इसीलिए परचेस करते हैं या इसीलिए सब्सक्राइब करते हैं कि आपका बर्डन आप क्यों क्लास ले रहे हो ताकि आपका बर्डन कम हो जाए अगर आपका बर्डन उतना ही रहे कि क्लासेस करने के बाद भी आप दिन रात वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो फिर उस क्लासेस का कोई फायदा तो हम लोग क्लास में इतनी मेहनत करेंगे इतना टाइम देंगे कि आपको बाद में टाइम देने का दरकार सबसे बड़ा थिंग विच आई वॉन्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू एट दिस इंसेप्शन ऑफ द इंटर जर्नी इज डेडिकेशन एंड टाइम जो हम लोग बोलते हैं ना कि कम पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाने वाला माहिर होता है मैं बोलता हूं ऐसा नहीं है ज्यादा मार्क्स लाने वाला माहिर होगा या नहीं होगा वो तो समय बताएगा बट जो अच्छे से पढ़ के रखेगा वो रियल लाइफ में मार्क्स भले ही कम लेके आओ बट वो रियल लाइफ में जब काम करने जाएगा ना वो फोड़ तो देगा ही उसके सामने कैसा भी चैलेंज आ जाएगा वो कर लेगा क्योंकि उसके उसकी नॉलेज है जो मार्क्स से ज्यादा लाता है उसका नॉलेज ज्यादा हो वो जरूरी नहीं है मैं सीए फाउंडेशन में रैंक होल्डर नहीं था सीए इंटर में भी मैं रैंक होल्डर नहीं था बट सी ए फाइनल में मैंने ऑल इंडिया रैंक थ्री स्कोर किया तो क्या आप फाउंडेशन का रिजल्ट देख के ये बोलोगे कि इस आदमी को कुछ नहीं आता इंटर का रिजल्ट देख के ये बोलोगे इस आदमी को कुछ नहीं आता नहीं पता चलता कब कौन आगे निकल जाए बट अगर आपके पास कंटेंट होगा नॉलेज होगी ना तो जिंदगी में कभी ना कभी आप आगे निकलोगे दैट इज श्योर मैं सब सब बच्चों से यही चाहता हूं आपको डेडिकेटेड रहना होगा इस जर्नी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आफ्टर कोविड क्या होने लग गया जैसे मैंने आपसे बात कर रहा था मैं तो मैंने आपको बोला था कोविड के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हुआ है जैसे आज क्लास पूरी भरी हुई दिख रही है थर्ड फ्लोर भी पूरा भरा हुआ है एक हफ्ते बाद दस जन कम हो जाएंगे दो हफ्ते बाद बीस जन और कम हो जाएंगे तीसरे हफ्ते तीस जन और कम हो जाएंगे सर ऐसा क्यों होता है सिंपल रीजन है आपको लाइव क्लास मिल रहा है आपको उसके साथ लाइव एट होम मिल रहा है उसके साथ आपको बैकअप मिल रहा है जब इतनी चीजें लाइफ में कोई दे देता है ना उसके बाद उस चीज का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है जिस दिन आपका एक क्लास छूटेगा आप क्या करोगे भाई रिकॉर्डेड में चलते हैं पहले ये चैप्टर रिकॉर्डेड कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर से लाइव ज्वाइन करेंगे तुम कभी ट्रैक रखते ही नहीं हो कि मेरा चैप्टर कब चालू होगा और जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर चालू हो जाता है तुमने देखा यार इसका भी एक क्लास खत्म हो गया तो चलो एक काम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से अपना आदत होता है जैसे मैं अभी मेरी वाइफ मेरे को बोल रही है मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं तुम योगा स्टार्ट करो बोलते योगा से ही होगा अरे योगा से ही पतला होगा योगा से ही होगा मैं बोला करूंगा एक तारीख से बस अभी एक तारीख बोल दिया ना अब एक तारीख जब आएगा जब बोलेंगे तब देखेंगे हम लोगों का एक आदत होता है सर नेक्स्ट वीक से करेंगे सर नेक्स्ट मंथ से करेंगे वैसे ही हर बच्चा जब लाइव में एडमिशन लेता है ना और उसको बैकअप मिलता है ना सर नेक्स्ट चैप्टर से पक्का लाइव आऊंगा और प्रॉब्लम क्या होता है एक बार जो रिकॉर्डेड का नशा चढ़ जाता है ना तुमको पता है क्या लगता है सर दो घंटा सवा दो घंटा बकबक करते हैं रिकॉर्डेड में हम बैठते हैं वन पॉइंट टू फाइव एक्स में चलाया डेढ़ घंटा में सर का क्लास खत्म देखा भाई तुम दो घंटा बेकार का बर्बाद कर दूसरे को और सिखाएगा तुम दो घंटा बेकार का वेस्ट कर रहा है इतना दूर जा रहा है भाई डेढ़ घंटा में क्लास घर पे खत्म हो रहा है तो हम भी ये कर सकते थे ना कि अपना नॉर्मल पढ़ाई को 1.25x एक्स कर दे जैसे हम इतना स्लो बोल रहे हैं वैसे बोलेंगे अपना नॉर्मल पढ़ाई को 1.25x एक्स करके हम लोग अगर पढ़ ले तो हमारा काम हो जाएगा तुम ऐसे ही घर पे देखते हो मेरे को दिस इज हाउ यू सी दी एट होम और अभी भी अगर आप टैक्स या किसी का वीडियो कर रहे हो जो कि बहुत सारे लोग करते हैं तो आपने ऐसे ही पहला दूसरा पहला क्लास में तो आप चलते हो कि नहीं भाई नहीं देखते हैं क्या होगा फिर पहला क्लास अरे ये बहुत स्लो पढ़ा रहा है भाई वन पॉइंट फाइव एक्स के नीचे काम नहीं चलेगा सेकेंड क्लास से तुम्हारा इतना फास्ट ट्रांजिशन है ना सेकेंड क्लास से वन पॉइंट फाइव एक्स बट बट थर्ड क्लास का पता नहीं वो आ जाए बट मैं इतना ही बोलूंगा ये जो 1.5x स्पीड है ना ये तुम्हारे डेडिकेशन को तुम्हारे फोकस को तुम्हारा बैठने का पेशेंस लेवल को खत्म कर देता है तुम वेब सीरीज भी 1.5 में देखते हो नहीं क्यों उसमें भी तो चीजें स्लो स्लो ही होती है एक बार में एक सेकंड में थोड़ी हो जाता है क्यों क्योंकि तुम चाहते हो वो जो दिखा रहा है वो सारा दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए हाँ अरे हम नॉर्मल वेब सीरीज की बात कर रहे हैं दीदी इतना जल्दी अरे दीदी देखिए बाहर कोई चेयर है क्या चेयर लाके बैठना पड़ेगा हाँ दीदी बैठिए ना आप वेब सीरीज क्यों नहीं देखते 1.5 में बिकॉज यू वॉन्ट टू रजिस्टर ईच एंड एवरी थिंग दे शो कई भाई कोई भाई पूछेगा क्या हुआ था मैं तो हम बता पाए भाई दूसरा एपिसोड का दस मिनट बाद देखना भाई झकास था आप लिटरली आप सोचो आपको इतना वेब सीरीज में प्रेसाइजली चीजें याद रहती है वही जो क्लास में पढ़ाते हैं भाई दूसरा क्लास में क्या हुआ था भाई नहीं पता क्या हुआ था कॉपी खोलेंगे तब बता देंगे ये जो हमारा डिफरेंस है ना ये डिफरेंस इज ओनली बिकॉज ऑफ एक चीज आप पूरा फोकस से फुल टाइम देकर देख रहे हो और दूसरा चीज आप फटाफट सल्टाने की कोशिश कर रहे हो पहला प्रायोरिटी रहेगा हर बच्चे को हमेशा ट्राई करना है लाइव करने का अगर लाइव कोई कारण नहीं पा रहे हो ट्राई करो लाइव एट होम करने का क्योंकि वो फैसिलिटी आपके लिए दी गई है जो आपको एप्लीकेशन दिया जाएगा बेसिक्स पूरा उस पर चलेगा उसके बाद जो एप्लीकेशन दिया जाएगा उसमें लाइव एट होम क्लास रेगुलरली आपको दिखेगी लाइव एट होम कर अगर ये दोनों तेरे से मिस हो जाए तो ही हमको तीसरे ऑप्शन में जाना है विच इज रिकॉर्डेड बट रिकॉर्डेड में भी कैसे जाना है आज का क्लास आज कर लेना है ताकि कल के क्लास से हम कम से कम लाइव वापस ज्वाइन कर सके अब बच्चे को लगता है सर लाइव करे या रिकॉर्डेड करे कोई रिजल्ट का फर्क पड़ता है क्या बहुत फर्क पड़ता है बट वो फर्क दिखता नहीं क्योंकि तुमको लगता है तुम पास हो गए तो बस हो गया ना बात हो सकता है तुम्हारा पास होने का नहीं तुम्हारा ज्यादा अच्छा मार्क्स लाने का कैपेबिलिटी था बट तुमने उस कैपेबिलिटी को अंडरमाइन कर दिया क्योंकि तुमको दिख गया पास हो गए तो इतना ज्यादा क्यों माथा लगाना है हो गए ना कम क्लास जाके भी पास हो गए तुम ज्यादा क्लास जाके भी पास हुआ अभी तुम पास होने लायक नहीं था तेरा अच्छा मार्क्स आ सकता था हम लोग अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से नहीं जानते इसीलिए कम में सेटल होने का आदत है जिस दिन कम में सेटल होना बंद कर दोगे ना उस दिन तुमको दिखेगा लाइफ में यू कैन डू इन फाइनाइट थिंग्स जो तुम सोच भी नहीं सकते थे तो सबसे पहला ज्ञान आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज बी डेडिकेटेड टूअर्ड्स योर कोर्स टुअर्ड्स योर स्टडीज इंस्टीट्यूट ने सबसे अच्छा गिफ्ट तुमको दिया है आठ से छह सब्जेक्ट कर दिया बट छह में भी मैं बोलूं अभी भी आठ सब्जेक्ट है पहले आठ में ना पहले आठ में ग्यारह सब्जेक्ट थे सर ग्यारह कैसे थे ई दो सब्जेक्ट बना के रखा था जिसको एक कंबाइन कर दिया था तो सब्जेक्ट वाइज कंटेंट वाइज तो दो अलग अलग चीज पढ़ना है एफ एम में घुसा रखा था जो अलग कंटेंट है और डी टी आई डी टी तो हमेशा ही अलग है बट साथ में दिया जाता है तो पहले आठ पेपर थे जिसमें टोटल ग्यारह या दस पेपर जो भी अकाउंट कर ले उतने पेपर थे ग्यारह पेपर थे अब छह पेपर है बट छह में अगर टोटल करूंगा तो आठ पेपर है एक एफ के साथ एस जोड़ा है और एक डी के साथ आई जोड़ा है अगर तेरे पास ये आठ पेपर्स है ना तो अगर चार चार पेपर्स भी एट अ टाइम पढ़ाई करता है तो आराम से अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करके दोनों ग्रुप का एग्जाम मे में दे सकता है सर हमने सुना है सब, सब्जेक्ट कम हो गए बट सिलेबस सबका बढ़ा दिया गया है आंसर इज नो इतना नहीं बढ़ा है कि छ आठ बराबर छ हो जाए अगर दो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो तो उस सब्जेक्ट में मेहनत करने का एफर्ट्स भी अलग से देना पड़ता था अब तुमको वो एफर्ट देने का दरकार तो अभी सबसे पहला चीज जो तो दिमाग में रखना है मे ट्वेंटी में वी विल बी अपियरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स ट्यूशन तुमने क्या लिया वो मेरे को पता नहीं है वो तुम्हारा डिसीजन है बट दोनों ग्रुप के लिए हमको शुरू से पढ़ाई करते चले जाना है दिन में, दिन में में ऑन एन एवरेज एक बच्चे को तीन क्लास कम से कम करना है कितनी क्लास तीन क्लास उस तीन क्लास, उस तीन क्लास में आप जैसे सजाना चाहो सजा सकते हो आप लाइव ले रहे हो तो लाइव में तो सजाने का ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डेड ले रहे हो तो आप अपनी तरीके से सजा सकते हो तीन क्लास दिन में करना है मंडे टू संडे टोटल कितना हो गया 21 हो गया हफ्ते में कोई दो दिन ट्राई करना अगर चार चार हो पाए कितना हो पाए चार चार तो इससे टोटल कितनी क्लासेस हम कर पाएंगे तेईस क्लास हम कर पाएंगे जिसमें अपने को कैसे करना चाहिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का छह छह क्लास करना चाहिए थ्योरी सब्जेक्ट का पांच क्लास करना चाहिए अगर तीन प्रैक्टिकल चालू करते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल अकाउंट कॉस्ट टैक्स तो छह कितना होता है अट्ठारह थ्योरी एक ही स्टार्ट करना है कौन सा लॉ ऑडिट और, और EIS, SM या SM जो है सॉरी वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा एक साथ सब थ्योरी स्टार्ट और कोई करता भी नहीं आप करके भी क्या करेंगे कहीं होता भी नहीं है तो अगर हम 23 क्लासेस पर वीक अचीव कर सकेंगे तो हम टाइमली अपना सिलेबस क्लासेस कंप्लीट कर पाएंगे और हम दोनों ग्रुप के लिए अपियर कर पाएंगे मे 24 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बीच के ब्रेक्स एक बार कंसिस्टेंसी बन जाएगा तो वो चलते जाएगा और एक बार कंसिस्टेंसी टूट जाएगा ना वापस उसमें आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर नेक्स्ट दिक्स मंथस अवॉइड टेकिंग एनी ब्रेक्स सर मतलब छह महीना घूमना फिरना बंद हां बंद तो सर छह महीना घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो फिर जिंदगी कैसे चलेगा हम साल भर से कहीं नहीं गए हैं सात महीना आठ महीना से कहीं नहीं गए लास्ट दिसंबर में घूमने गए थे बिगिनिंग में अभी हो गया अगस्त हम कहीं नहीं गए आठ महीना से तो जिंदगी चल रहा है ना अच्छा ही चल रहा है तुम लोग इतना सारा जन है खराब तो चल नहीं रहा है अच्छा ही चल रहा है लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना प्रायोरिटाइज करना पड़ता है चीजों में फॉर दी नेक्स्ट सिक्स सेवन मंथ्स मतलब अभी से लेकर फेब्री एंड तक कोई भी घूमने का प्लान मत बनाओ मार्च और अप्रैल में तुम ऐसे भी कहीं घूमने नहीं जाओगे में, में एग्जाम है तो मे सत्रह के बाद सोलह के बाद तुमको जहां जाना है वहां जाओ बट फॉर दी नेक्स्ट सिक्स मंथ ट्राई की एक कंसिस्टेंट रूटीन हम फॉलो कर सके इनिशियली पहला दूसरा वीक में तेईस तेईस नहीं कर पाओगे तो पहला दूसरा वीक में स्टार्ट स्लो मतलब तीन क्लास पर डे करने का आदत डालना है जैसे ही तीन क्लास पर डे का आदत डल जाएगा तो फिर हमको कोई भी हफ्ते में दो दिन ढूंढना है चाहे ट्यूसडे फ्राइडे बना ले दो दिन के गैप में या फिर मंडे थर्सडे बना ले ले कोई भी दो दिन बना ले, जिसके दो दिन दिन बना जिसके के गैप में तुम कितनी क्लासेस कर रहे हो चार क्लास कर रहे हो अब चार क्लास करने का प्रॉब्लम सिर्फ एक ही जन को सबसे ज्यादा आता है जो बच्चे ऐसी कॉलेज में है जहां रोज जाना पड़ता है जैसे कलकटा में एक ही एग्जाम्पल है जेवियर्स बाद बाकी कभी गोयनका और जेडी बिरला भी ऐसे कॉलेजेस है जो उंगली कर देते हैं आने के लिए अदरवाइज दूसरे कॉलेज को तुमसे मतलब भी नहीं है और ये अच्छा है ये अच्छा है क्योंकि वो कॉलेज जानते हैं कि बच्चा सीए पढ़ेगा तो अच्छा करेगा कॉलेज में भी अच्छा करेगा तुम जो यहां पढ़ोगे उससे तुम्हारा कॉलेज का रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा तुमको उसके लिए अलग से पढ़ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है जिन बच्चों की रेगुलर कॉलेजेस है जिनकी रेगुलर कॉलेजेस है उनके लिए चार क्लास रियली डिफिकल्ट हो जाता है आप अपनी चार क्लास का शेड्यूल सैटरडे और संडे डाल दो सैटरडे कॉलेज नहीं है उस दिन एक क्लास एक्स्ट्रा करो संडे कॉलेज नहीं है उस दिन एक क्लास एक्स्ट्रा करो क्या आप विचार कर सकते हैं आंसर इज यस तो किस दिन डालेंगे आप सैटरडे संडे ये सब चीज पहले पता है क्यों बताता हूं बच्चा ना इनिशियली अगर लाइन पे आ जाए ना तो उसके लिए जर्नी काफी आसान हो जाती है और अगर वो दो तीन महीने के बाद उसको समझ में आया ना कि ऐसे करना था हमको तो ऐसा कोई बताया ही नहीं था तो बच्चा बोलता है सर यार ये पहले ही बता देते अभी बता रहे उससे अच्छा इसीलिए फर्स्ट डे पर बता रहा हूं क्या एक रूटीन होनी चाहिए फॉर अ स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपियर सी इंटर आफ्टर नाइन मंथस 23 क्लासेस पर वीक मस्ट बी दी टारगेट और क्लासेस एकदम शांति से करने का आई फील इज अगर एक सब्जेक्ट में मान लो 400 घंटा अलॉट करना चाहिए तुम क्लासेस 150 घंटे में कवर करने की कोशिश करोगे तो सेल्फ स्टडी 250 घंटे करना पड़ेगा तुम क्लासेस 200 घंटे में करोगे तो सेल्फ स्टडी 200 घंटे करना पड़ेगा मतलब घुमा फिरा के सेल्फ स्टडी प्लस क्लासेस का टाइम मिला के उतना ही टाइम तुमको देना पड़ेगा जो बच्चे क्लासेस लाइव करते हैं रेगुलर करते हैं साथ साथ करते हैं और स्लो मतलब वन की स्पीड पे करते हैं वो देखते हैं कि जितना क्लास में टाइम दिया जितना क्लास में टाइम दिया उसके कारण रिविजन का टाइम अपने आप कम हो गया और जो बच्चे थोड़ा हड़बड़ी में सब्जेक्ट उलटाते हैं तो जितना जल्दी उन्होंने क्लासेस कंप्लीट किया उतना ही ज्यादा एफर्ट्स उनको रिविजन में लगाना पड़ रहा है और मैं ज्यादा एक्जाम्पल इधर उधर का नहीं दूंगा तुम फाउंडेशन में अगर कोई सब्जेक्ट का वीडियो किए थे तो सोचो कितने एफर्ट्स बाद में पुट इन करने पड़े और कोई सब्जेक्ट अगर लाइव किए थे तो सोचो कितना फास्ट लाइव में कवर हो गया था कि जिस दिन क्लास कंप्लीट हुई उस दिन अपना सिलेबस भी रेडी था जो बच्चे मेरे से पढ़ रखे हैं मैं ये बोल सकता हूं जिस दिन अकाउंट हमने क्लास में कंप्लीट किया उस दिन अकाउंट अपने आप ही कंप्लीट था हम लोगों को वापस देखने का एज सच जरूरत थोड़ा बहुत एग्जाम से पहले रिवीजन करना पड़ता है बट ऐसा नहीं था कोई भी चैप्टर को बैठ के पूरा घाटना पड़ेगा कि क्या था उस चैप्टर में द चैप्टर वॉज रेडी तो सेम चीज आपको फॉलो करना होगा यू स्टडी फॉर फाउंडेशन में 80 थी टीचर की मेहनत ट्वेंटी परसेंट थी स्टूडेंट की मेहनत इंटर लेवल पे पचास परसेंट टीचर का मेहनत पचास परसेंट स्टूडेंट का मेहनत यानी जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना इक्वल टाइम आपको सब्जेक्ट को वापस देना पड़ेगा यानी अगर आज मैंने दो घंटे की एक क्लास ली है तो आज ही दो घंटा नहीं देना है आज घर जाके पंद्रह मिनट से आधी घंटा देना पड़ेगा ताकि एक बार कंटेंट रिवाइज हो कल क्लास से आने से पहले दस मिनट देना होगा ताकि कंटेंट रिवाइज हो बैलेंस जो टाइम है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक दिन बैठ के आपको उसका रिविजन करना पड़ेगा और फिर मॉक टेस्ट रिविजन से वो सब चलते चले जाएंगे बट फॉर टाइमिंग जितना मैं टाइम दूंगा उतना इक्वल टाइम आपको डिवोट करना पड़ेगा अगर 50-50 वाला इक्वेशन नहीं बैठाओगे क्लास में 50 बट घर पे 30, डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे क्लास आधा अधूरा करके रखा और घर पे बहुत पढ़ रहे हो तो भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर पाओगे डिजायर्ड रिजल्ट तभी आएगा जब जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उतना ही आप उस सब्जेक्ट में वापस टाइम एंड एफर्ट्स लगा रहे हो ये टाइम एंड एफर्ट्स कम होते चला जाएगा ग्रेजुअली जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट की नॉलेज स्ट्रांग होगी इनिशियली थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इन्हीं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने आप वो टाइम कम होते चला जाएगा एक बार में पढ़ने से ही दिमाग में चीजें बैठने लग जाएंगी ये सारी चीजें क्लियर करने के साथ क्या हम लोग पढ़ाई चालू कर सकते हैं पक्का अभी बोल रहा हूं जो मानेंगे ना उन बच्चों के अच्छे मार्क्स आएंगे अच्छे मार्क्स में रैंक आ भी सकता है नहीं भी आ सकता ये मेरे हाथ में नहीं है हम लोग ना मार्क्स बता सकते हैं एक बच्चा कितना लाओ रैंक कोई नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो हंड्रेड परसेंट बच्चे नहीं पढ़ा रहा हूं ना बहुत सारे बच्चे तो दूसरी जगह भी पढ़ रहे हैं वो कैसा एफर्ट कर रहे हैं वो कैसी मेहनत कर रहे हैं वो तो मेरे को पता मैं तो आपको एफर्ट्स में डाल सकता हूं आपको बोल सकता हूं इतनी मेहनत करनी है अगर वो बच्चे आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो रैंक वो डिजर्व करते हैं आप डिजर्व रैंक हमेशा एक रिलेटिव पोजीशन है यह सिर्फ आपकी मेहनत से डिसाइड नहीं होगा ये उन 50 स्टूडेंट्स की मेहनत से भी डिसाइड होगा जो उस रैंक के लिए काम कर रहे हैं बट अगर मैं एक बार बोलूं कि 600 में हम लोग का सबका टारगेट होना चाहिए 400 मार्क्स हम कम से कम स्कोर करेंगे कितने मार्क्स मैं हमेशा बोलता हूं 60% परसेंट तो सबका टारगेट होना चाहिए तो तुम पहुंचोगे 300 पर जो कि पास मार्क्स है तुम टारगेट 400 का करोगे तो कहां पहुंचोगे 360 पर तो अगर मेरा टारगेट 400 है और मैं उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगा फिर रिलेटिव पोजीशन के हिसाब से पता चलेगा मेरा रैंक आएगा या नहीं आएगा पहले डे पे मैं ये नहीं बोलूंगा इसी क्लास से बैठ के पचास के पचास रैंक आएंगे दैट इज इज बेकार द जो बच्चा जितना मेहनत करेगा वो उस रैंक की रेस में आगे जाएगा और रैंक का रेस अकेले नहीं दौड़ा जाता इसमें तुमको समझना पड़ेगा दूसरे लोग कैसे दौड़ रहे हैं इस रेस में तभी जाके तुम इस रैंक में पार्टिसिपेट कर सकते हो मेरा ऑल इंडिया रैंक थर्ड आया इसलिए नहीं कि मैंने मेहनत की दूसरों ने मेरे से कम मेहनत की इसीलिए हम आगे निकल गए अगर वो दूसरे मेरे से ज्यादा मेहनत कर लेते तो हम उस पोजीशन पे पहुंच नहीं पाते ये समझना पड़ेगा कि रैंक इज ऑलवेज अ रिलेटिव को बहुत सारे बच्चे मेरे से आके आप लोग पूछेंगे सर रैंक लाना है बताओ कैसे करना है रैंक लाने के लिए कुछ नहीं चाहिए आप अपना पढ़ते जाओ मग्न हो जाओ पढ़ाई में अपने आप आप देखोगे आपका रैंक आ जाएगा इसके लिए अलग से कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती हाँ, होती है जो दूसरे कर रहे हैं उससे कुछ हटके करना पड़ता है जैसे क्या करना पड़ता है दूसरे मॉक टेस्ट देने पर विश्वास नहीं करते बोलते इतना कौन टेस्ट देगा इंस्टीट्यूट तो एग्जाम ले ही रहे तो हमको कौन सा टेस्ट देना है देखेंगे उस दिन एक रैंक होल्डर अगर कोई बनना चाहता है तो उसको टाइम टू टाइम टेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट देने से यह समझ में आता है कि तुम का तुम्हारा जो लेवल है वो लेवल क्या है तुम्हारा लेवल अच्छा है या नहीं है वो तभी समझ में आता है जब तुम बैठ के तीन घंटे का एक पेपर लिखते हो टेस्ट देना कोई चीज को अपनी भाषा में समझना जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया कि इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी एवर इज लोअर यह होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के कारण इसको हम लोग करते हैं आइटम बाय आइटम बेसिस पे हम लोग टोटल बेसिस पे नहीं करते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट एक समझाया अब एक बच्चा होता है जो यही तीन लाइन इंग्लिश में लर्न करता है और एक बच्चा होता है जो यही तीन लाइन अपने को अपनी भाषा में समझा लेता है इन्वेंट्री का जब वैल्यू करेंगे ना तो कॉस्ट देख शाह एनआरवी देखा शा, दोनों में जो लोअर उसी बोले नाइन्टी परसेंट तो कॉस्ट ही उसी एनआरवी कभी कभी हो सकता है अगर मार्केट में उसका दाम गिर गया हो ये जब करेंगे ना तो इंडिविजुअल आइटम बाय आइटम करना पड़ेगा क्योंकि अगर टोटल बेसिस पे करेंगे ना तो एक आइटम का लॉस एक आइटम का प्रॉफिट एक दूसरे से सेट ऑफ से हो जाएगा आपको अपनी भाषा में चीजों को अपने आप को समझाना टीचर तो समझाता ही है बट टीचर सबको अलग अलग समझा रहा है कि सबको सेम समझा रहा है क्या सबको सेम तरीके से समझ में आए ऐसा जरूरी है तो हर बच्चे को अपने आप को अगर समझाना है तो उसको अपना तरीके से समझना आना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर टैक्स चालू कर दिया तुमने टैक्स रेट्स वाला पढ़ा होगा पहली क्लास में या टैक्स आज चालू करोगे तो टैक्स रेट्स पढ़ोगे तो अपनी भाषा में अपने आप को समझाओ कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल होगा तो उसका टैक्स रेट होगा इतना तक एग्जाम रहेगा कोई टैक्स नहीं देना इससे इतना होगा तो पांच परसेंट देना इससे इतना होगा तो बीस परसेंट देना इससे इतना होगा तो तीस परसेंट देना ये सब चीज ना दिमाग में बैठाने के लिए अपने आप को अपनी तरीके से समझाना पड़ेगा ये सब चीज तभी समझ पाओगे जब ये सब करना शुरू करो नॉर्मली बच्चा ना ये एक्सपेरिमेंट करता नहीं है उसको लगता है सब पागल है जैसे कोई आदमी अगर अपने से बात कर रहा है तो लगेगा भाई ये पागल हो चुका है बट खुद से बात करना कितना जरूरी है ये तभी समझ में आएगा जब करना शुरू करोगे कोई कॉन्सेप्ट को क्लास में पढ़ाने में आधी घंटा लगता है बट तुमको समझने में घर जाके दो मिनट लगना चाहिए अपने आप को समझा ले कि इसका मतलब ये है फिर देख तुम कभी भूलेगा ही नहीं ये सब चीजें करनी होंगी जब आप अपने घर जा रहे हो और जब आप उसका सेल्फ स्टडी कर रहे हो अगर वही लाइन जो बुक में लिखी है वह वही रटते चले जाओगे ना एक लेवल के बाद धीरे धीरे जैसा ही नया रटना शुरू करोगे पुराना वाला वहां से दिमाग का कैपेसिटी तो लिमिट है ना तो तुम जितना नया चीज डालोगे पुराना वाला निकलते चला जाएगा वही अगर चीजों को एकदम तुम कंपाइल करके छोटे छोटे रूप में अंदर डालते रहोगे तो ज्यादा चीज डालने का ऑप्शन रहेगा तो आप जब घर में जाके पढ़ेंगे आपको अपनी लैंग्वेज में चीजों को समझना पड़ेगा ना कि सर ने जो बोला बस उसी को लर्न कर लो अगर तुम गए घर और तुमने अपनी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश किया तुमको फिट नहीं हुआ यार इसमें ऐसा होता तो क्या होता वो बनता है डाउट तुम्हारा डाउट कभी भी ये नहीं होता सर ने बोला हाँ सर एक बार और बताइए तो ये डाउट नहीं है ये है तुमने पहली बार ध्यान से सुना नहीं तो तुम चाहते हो मैं एक बार और बोल दू डाउट क्या होता है सर मैंने इसके ऊपर सोचा सर सोचने के बाद यह बात तो ठीक है बट सर अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा दैट इज अ रियल डाउट जब आप खुद समझ के बोल रहे हो कि सर ये वाला केस हुआ तो क्या करना है हमको एंड वो तभी आएगा जब आप उस चीज को खुद से पढ़ रहे हो सर के पढ़ाने से डाउट नहीं आता है खुद के पढ़ने से डाउट आता है तो अगर आप उस चीजों को करोगे तब जाके आपका रिजल्ट निखरेगा नहीं तो जैसा नॉर्मल रिजल्ट आता है वैसा ही रिजल्ट आपका भी होगा और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं सारे ही बच्चे एवरेज होते हैं कोई बच्चा ज्यादा स्मार्ट नहीं है अगर स्मार्ट होता तो तुम्हारे साथ यहां थोड़ी बैठा रहता सारे ही बच्चे एवरेज है मैं भी एवरेज हूं तुम भी एवरेज हो। फर्क बस इतना है कोई उस एवरेज के साथ हार्डवर्क का तड़का लगाता है और कोई तड़का नहीं लगाता जो तड़का लगाएगा वो आगे बढ़ जाएगा जो नहीं लगाएगा वो नॉर्मल अपनी राह में चलते चला जाएगा वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंस इट इज अबाउट योर हार्ड वर्क इट इज अबाउट योर इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट जो आपको एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने में हेल्प करता है तुम देखना कोई भी सब्जेक्ट में अगर एक बार तुमको इंटरेस्ट हटाना तो वो सब्जेक्ट तुम हमेशा डिले करते चले जाओ छोड़ना कल करेंगे आज या टैक्स वाला कर लेते हैं वो सर आज पढ़ाए आज देख लेते हैं अकाउंट्स वाला ना कल कर लेंगे लॉ वाला ना कल कर लेंगे अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो और अगर इंटरेस्ट होगा ना भाई चलिए लेके बैठते एक बार देखते हैं क्या था सारा खेला उस इंटरेस्ट का है और कोई चीज का नहीं है हमको भी अगर कोई चीज में इंटरेस्ट होगा तो हम फटाफट लेके खत्म कर देगा नहीं होगा ना यार कल करेंगे छोड़ना आज नहीं है टाइम टाइम है बस करना नहीं है क्योंकि उस चीज का इंटरेस्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी के बहुत जल्दी आ जाता है किसी के नॉर्मल टाइम पे आ जाता है और किसी के लेट आता है जिनको लेट आता है उनके प्रॉब्लम होती है जिनका नॉर्मल टाइम या जल्दी आ जाए वो तो आगे निकल जाएंगे तो हम लोगों को सिर्फ एक ही वर्ड पे ध्यान देना है कि हमको फॉर टाइम बिंग अभी डेडिकेटेड रहना है कंसिस्टेंट रहना है क्लासेस मिस नहीं करनी है पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप कंप्लीट होती चली जाएंगी टेंशन लेने का दरकार नहीं है और कोई ज्यादा बुद्धिमान और कोई बेवकूफ नहीं है हर जन बहुत स्मार्ट है आप अपनी स्मार्टनेस के हिसाब से अपने आप को चीजें करने में हेल्प करो कोई आदमी फास्ट लर्नर है तो कोई आदमी लिखते ही उसको चीजें याद हो जाती है कोई आदमी को देखते ही चीजें याद हो जाती है किसी को लिखने से याद होती है किसी को दो बार पढ़ने से याद होती है आप अपने आप को समझो आप कौन से हो एंड अकॉर्डिंगली आप अपना पढ़ाई शेप करो जिनको देख के याद होता है वो चार्ट्स बना के रखो उनको फटाफट चीजें याद होंगी जिनको लिख के याद होता है वो हर दिन जो पढ़ते हो घर जाके एक बार उसका नोट्स बनाया करो समरी नोट्स उनको वैसे याद हो जाएगा और जिनको ऐसा है कि दो बार रीड करने से याद होता है उनको बस ध्यान ध्यान देना है हर दस दिन में पांच दिन में एक बार उठा के उसको रीड करना है हर बच्चे का अपना सोल्यूशन है इंडिविजुअल सोल्यूशन है हर बच्चा सेम नहीं होता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपनी लैंग्वेज में घर जाके वापस पढ़ना जो मारवाड़ी है वो मारवाड़ी में जो बंगाली है वो बंगाली में जो मराठी है वो मराठी में एंड जो एक्स वाई जेड है वो एक्स वाई जेड में बट आपको अपनी लैंग्वेज में समझना पड़ेगा जितना ज्यादा अपनी लैंग्वेज में जल्दी समझ में आएगा ना उतना दूसरी लैंग्वेज में नहीं आएगा इंग्लिश में तो कतई नहीं आएगा इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज अलग अलग चीज अलग अलग नाम से जानी जाती है अब एक कॉक होता है शटल वाला और एक होता है वो अपना मुर्गी हाँ अरे एक मुर्गी क्या बोले है? हम कैसे समझाए कैसे उन लोग को ही नहीं पता वो लोग क्या बोलना चाहते हैं तो इट इज इट इज अ वेरी फनी लैंग्वेज तो इंग्लिश को छोड़ के अपनी भाषा में पढ़ना शुरू कीजिए चीजें बहुत ज्यादा रिटेन डन और तीसरा भी कोई होता है तो बाद में याद करेंगे अभी इधर आ जाओ एंड uh, हम देखने में ही सिर्फ डेंजरस है ऐसे हम बहुत सीधे साधे हम कोई बात डबल मीनिंग नहीं करते बट आपको लगने लगता है ऐसा <coughs> डबल मीनिंग हम नहीं करते हैं तुमको ऐसा लगने लगता है और जो बच्चे घर पे बैठ के क्लास कर रहे हैं प्लीज यूज ईयरफोन अदरवाइज एनी मे हैपन एंड आई विल नॉट बी लाइबल फॉर इट ये डिस्क्लेमर है यू ऑल आर एटीन प्लस दिस कंटेंट इज दिस कंटेंट इज रेटेड एडल्ट सो प्लीज घर पे जब देखे सावधानी से देखे अपने रिस्क पर देखें और uh, मम्मी पापा से दूर होकर देखें मतलब एक ही फीस में तीन जन कैसे पढ़ सकता है इसीलिए एक जन ईयरफोन लगा के ही क्लास कर सकता है ठीक है अरे श्रेया अभी नहीं आएगा सॉफ्टवेयर का लिंक्स सर आपका शेड्यूल क्या होगा क्लासेस का मेरे को भी नहीं पता मेरा शेड्यूल होगा मंडे टू सैटरडे छह दिन बट वो छह दिन का शेड्यूल अपने चालू करेंगे जब सेमेस्टर टू के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद क्योंकि सेमेस्टर टू का एग्जाम अभी नेक्स्ट वीक ही है और बहुत सारे बच्चे उस एग्जाम में देंगे तो मैं छह छह क्लास अभी चालू ऐसे भी नहीं कर सकता अभी का जो शेड्यूल होगा उसका वीकली शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा आप अकॉर्डिंगली अभी क्लासेस करेंगे डन चलिए इतना बात होने के बाद हम लोग कुछ अपने सब्जेक्ट को भी इज्जत दे एडवांस अकाउंट्स मैंने बोला सौ मार्क का सब्जेक्ट है कौन सा पेपर है पेपर नंबर वन पेपर नंबर वन मतलब पहला एग्जाम आपको इसी का देना पहला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है या कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है ये सब्जेक्ट पूरे के पूरे छह सब्जेक्ट में सबसे आपके करीबी सब्जेक्ट्स में एक है क्योंकि यह सब्जेक्ट आपने क्लास इलेवन से लेकर अभी तक पढ़ रखा है क्लास इलेवन अकाउंट्स पढ़ा ट्वेल्व अकाउंट्स पढ़ा कुछ साइंस के बच्चे होंगे बात अलग है अदरवाइज इलेवन ट्व पढ़ा आपने फाउंडेशन में भी अकाउंट्स पढ़ा फाउंडेशन तो पढ़ा था भाई yes. ब्लैक टी शर्ट फाउंडेशन तो पढ़ा था ठीक है फाउंडेशन में अकाउंट्स पढ़ा बीकॉम वगैरह में भी थोड़ा बहुत अकाउंट्स पढ़ लिए गलती से इतना अकाउंट्स पढ़ने के बाद वापस अगर अकाउंट सब्जेक्ट आता है तो ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट से हम फेमिलियर नहीं है सब्जेक्ट के बारे में हमको पता है करना क्या है तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने लास्ट दो साल तीन साल से पढ़ा है और कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आपने दो साल तीन साल से पढ़ा है इंक्लूडिंग लॉ जो सिर्फ फाउंडेशन में था इलेवन ट्वेल्व में टैक्सेशन पहली बार आएगा कॉस्टिंग पहली बार आएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहली बार आएगा ऑडिट पहली बार आएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी इतने दिन से पढ़ रखा है आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इसी सब्जेक्ट के साथ होंगे ये लास्ट सिलेबस तक ना मैं बोलता भी था और मैं फटाफट प्रूफ भी कर देता था पहला चैप्टर से ही बच्चे को समझ में आ जाता था कि जो पढ़ा है वही वापस आगे सीखना है अब इंस्टीट्यूट ने हमारा ऐसा सिलेबस बना दिया है ना कि फाउंडेशन और इंटर को लिंक करना हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट कोई भी पढ़ाई अच्छे से समझ में कब आती है जब तुमने जो पढ़ा हो उसको मैं आगे बढ़ा के फिर तुमको किसी चीज में नया लेके जाऊं पहले क्या था जैसे ही बच्चा फाउंडेशन से हमारे पास इंटर में आता था हम स्टार्ट करते थे विद चैप्टर्स लाइक सिंगल एंट्री चैप्टर्स लाइक इंश्योरेंस क्लेम वो चैप्टर्स इजी क्यों थे क्योंकि उन चैप्टर्स में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना था जो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हमने फाउंडेशन में कई सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी बना रखा था इंस्टीट्यूट ने वो जो ब्रिज करते थे चैप्टर्स उनको अब फाउंडेशन में भेज दिया है बोला ब्रिज ब्राज नहीं बनाना है फाउंडेशन में ही कर लो ये सब और इंटर में ना ऐसा सिलेबस बनाया कि ये जो कनेक्ट है ना ये कनेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो गया है टीचर्स के लिए अभी अगर आप लोगों ने डेमो वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे टीचर्स डेमो वीडियो थ्रू आउट इंडिया डाल रहे हैं कोई टीचर एक्स पढ़ा रहा है कोई टीचर वाई से शुरू कर रहा है कोई टीचर जेड पढ़ा रहा है कोई टीचर ए पढ़ा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है सर कौन सा टीचर कौन सा टॉपिक उठाया और कौन सा सही है कौन सा नहीं बिकॉज ये भी हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है तो अभी का जो सिलेबस बन गया ना ये सिलेबस ऐसा बन गया है कि फाउंडेशन से इंटर लेवल में जब बच्चा आता है अगर उसको सिलेबस में सही से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए तो हो सकता है वो फील करे देर इज अ गैप बिटवीन वट आईव स्टडीड इन फाउंडेशन एंड आई एम स्टडिंग इन इंटर इसीलिए सबसे पहले मैं सिलेबस समझाता हूं और यह समझाता हूं हम लोग इस सिलेबस को किस तरीके से कवर करेंगे सो so दैट जो फाउंडेशन में पढ़ा उसको इंटर में कनेक्ट करके फिर हम आगे ले जा सके तो हमारा सिलेबस ना तीन पार्ट में डिवाइडेड है ये सब ना लिखने का जरूरत नहीं है आई विल सेंड दी पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट अपने टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा ये सब लिखने का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिलेबस याद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते दीज आर नॉट समथिंग जो आपको लिखना चाहिए दीज आर समिंग जो आपका दिमाग हमेशा याद रखेगा हमारा सिलेबस तीन पार्ट में डिवाइडेड है सबसे बड़ा पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड वर्ड मतलब क्या होता है रे वट इज अटैंडर्ड सर ये स्टैंडर्ड है बेंच मार्क अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड मतलब ये अकाउंटिंग के बेंच मार्क है रूल्स है प्रिंसिपल्स है जिसको फॉलो करके हमको अकाउंटिंग करना पड़ेगा सबसे पहला पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ये सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट है सबसे ज्यादा टाइम जो पढ़ाने में लगेगा वो इसी पार्ट में लगेगा सेकेंड पार्ट दिया गया कंपनी अकाउंट्स अगर मैं फाउंडेशन लेवल में जाऊं तो कंपनी अकाउंट्स को सिर्फ टच किया गया था शेयर्स की अकाउंटिंग डिबेंचर्स की अकाउंटिंग सिखा के वहां पे कंपनी का और कुछ सिखाया नहीं गया अब उसके बाद की जो चीजें हैं वो सारी हमको इंटर में सीखनी है स्टार्टिंग फ्रॉम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनता है यानी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है पीएल कैसे बनता है कैश फ्लो कैसे बनता है वो सिखाऊंगा आपने क्लास ट्वेल्व में शायद एक वर्ड सुना होगा शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट सुना है ऐसा कोई वर्ड शेड्यूल थ्री नहीं भी सुना है चिंता नहीं हम लोग पढ़ेंगे बट एक वर्ड था शेड्यूल ऑफ कंपनीज कंपनीज एक्ट एक्ट के के रूल्स हिसाब के से बनाना पड़ता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा उसके बाद हम लोग सीखेंगे लाइक रिस्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग समझते हो री वापस से अपने आप को रिस्ट्रक्चर करना वापस से चीजों को एक लाइन पे लाना जैसे हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे अमल गमेशन पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन क्या होता है अब एक रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है तुमको क्या लगता है रिलायंस कितना सारा बिजनेस करती होगी सर कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें रिलायंस नहीं दिखता है सर आप पेट्रोल देखेंगे तो रिलायंस सर कम्युनिकेशन देख रहे हैं तो रिलायंस रिटेल देख रहे हैं तो रिलायंस रिटेल में भी आ गया अब फाइनेंस में भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तोड़ के आ रहा है फाइनेंस में भी आ गया कंज्यूमर गुड्स में भी है कैंपा कोला वगैरह बनाना शुरू कर दिया कोई ऐसा बिजनेस ये नहीं है जिसमें रिलायंस नहीं है टाटा का देखो हर चीज में है नमक टाटा नमक टाटा गाड़ी टाटा कुछ भी सब कुछ है टाटा का टाटा का खुद का रियल एस्टेट डिविजन भी है सब सारा बिजनेस करता है क्या लगता है सारा बिजनेस एक ही कंपनी चलाता होगा नहीं चलाता है इनका एक पूरा ग्रुप होता है जैसे अगर रिलायंस में जाओगे तो कम्युनिकेशन वाला बिजनेस जियो चला रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जियो फाइनेंशियल सर्विसेज चलाएगा रिटेल वाले के लिए कंपनी है रिलायंस रिटेल अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग जैसे टाटा में जाओ स्टील के लिए टाटा स्टील मोटर्स के लिए टाटा मोटर्स सुना है ना ऐसे अलग अलग कंपनीज बना के बिजनेस करते हैं अब हमने बना ली बहुत सारी कंपनीज हर अलग अलग कंपनी बिजनेस कर रही है मेरे इन्वेस्टर को अगर मैं ये बोलूं ये ले टाटा स्टील का बैलेंस शीट पीएल ये ले टाटा मोटर का बैलेंस शीट पीएल ये ले टाटा एलेक्सी का बैलेंस शीट पीएल मेरा इन्वेस्टर बोलेगा भाई इतना पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास मोट में बता क्या हुआ सब करके मैंने तो सारा पैसा टाटा सन्स को दे दिया या मैंने तो सारा पैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में डाल दिया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उस पैसे को क्या कर दिया हर कंपनी में बांट दिया थोड़ा जियो में डाल दिया थोड़ा कम्युनिकेशन में डाल दिया हर में डाल दिया अब हमको ये पता करना है कि भाई ओवरऑल पैसे से हुआ क्या तुम अगर मेरे को जियो का फाइनेंशियल सर्विस का सबका अलग अलग बैलेंस शीट पीएल दोगे हम देख के बनाएंगे क्या कहां हुआ हमको वो नहीं चाहिए हमको पूरे ग्रुप का एक बैलेंस शीट चाहिए पूरे ग्रुप का एक पीएल चाहिए ताकि मेरे को पता चले मैंने जो पैसा लगाया उसका अल्टीमेटली हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रियल लाइफ में जब आप इंटर के बाद आर्टिकलशिप में जाओगे दीज आर समिंग विच यूल सी ऑन अ डे टू डे बेसिस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कंपनी बाई बैक कर रही है तो क्या करेंगे कंपनी का मर्जर समलगमेशन हुआ क्या करना है दीज आर जो डे डे टू बेसिस पे अपने को अपनेउंटर करना पड़ेगा इंटर लेवल में हम लोगों को बोला गया है कि ये सब चीजों को बच्चा का बच्चा को बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज इन चीजों का होना चाहिए तो सेकेंड पार्ट मेरे सिलेबस का कंपनी अकाउंट जहां पे सिलेबस में चैप्टर्स तो कम दिखाई दे रहे हैं पर हर चैप्टर में अपने हिसाब से अपना दम है मतलब हर चैप्टर का अपना कंटेंट खुद में बहुत सॉलिड है बहुत लंबा है जो हम लोगों को करना पड़ेगा और तीसरा पार्ट हमारा है बोलो क्या ब्रांच अकाउंटिंग ये एक चैप्टर ऐसा है जिसको फाउंडेशन में डाल नहीं पाए इसीलिए कहां पे छोड़ दिया गया इंटर में और ये ब्रांच अकाउंटिंग भी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल लेता हूं तुम लोग कैलकाटा में ग्रेट ईस्टर्न जानता है ग्रेट ईस्टर्न तुम लोग खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स जानता है खोसला इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं जानते दीदी

ब्रांच का शोभा बाजार ब्रांच ने क्या किया उसका अकाउंटिंग करना सीखना पड़ेगा उसका फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखना पड़ेगा फिर तुम अगर एसबीआई पूरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हो तो ये सारे ब्रांचेस का जो रिजल्ट है उसको क्यूमुलेट करके एक कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बनाना पड़ेगा हम लोगों को, को इस चैप्टर में सिखाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच अकाउंट सर ब्रांच अकाउंट में और कंसोलिडेशन में क्या फर्क हुआ ब्रांच फॉर्म में एक ही कंपनी है जिसका बहुत सारा ऑफिस है हर ऑफिस में धंधा हो रहा है बट कंसोलिडेशन में बहुत सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग धंधा कर रही हैं और उन सारी कंपनियों का जो शेयर होल्डिंग है वो एक जगह पर है अब इस पूरे ग्रुप का काम कैसे होगा वो सिखाता है कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन में हर बिजनेस अलग अलग कंपनी में हो रहा है और ब्रांच सारा ही एक ही कंपनी का है और वही सेम धंधा कर रहा है जो उसको बोला गया है अगर आप ज्यादा ग्रेट ईस्टर्न आप नहीं जानते हो ये मेरे को मतलब ऐसा लगा नहीं था नहीं जानेंगे ग्रेट ईस्टर्न जानना ही चाहिए इलेक्ट्रॉनिक तो जगह से धंधा नहीं करता क्योंकि अगर मान लो कोई हावड़ा में रहता है उसको फ्रिज चाहिए तो क्या वो बिडेन स्ट्रीट आके फ्रिज लेके जाएगा वो तो चाहेगा ना कि हावड़ा में कोई दुकान हो जहां से हम फ्रिज ले ले ताकि घर पे फटाफट डिलीवरी आ जाए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से जाके उसको सॉल्व भी तो रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिसाइड किया हम अपनी एक नई दुकान खोलेंगे कहां पे हावड़ा में अब अगर तुमको रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पोजीशन या परफॉर्मेंस जानना हो तो क्या कोई एक ब्रांच ब्रांच से समझ पाओगे कि सारी ब्रांच को कंसोलिडेट करना होगा सारी ब्रांच अगर तुम यह पता करना चाहते हो कि हावड़ा वाली ब्रांच ने कैसा परफॉर्म किया तो उसको भी पता करना चाहिए हाँ या ना बहुत जरूरी है सर अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो मैनेजमेंट यह समझ ही नहीं पाएगा कौन सा ब्रांच प्रॉफिटेबल और कौन सा ब्रांच नुकसान कर रहा है हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट्स में और ये सारी चीजें प्रैक्टिकली जब आप अपने आर्टिकलशिप में जाओगे ना यही सारी चीजें डे टू डे बेसिस पे आपको देखने मिलेगी ब्रांच का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंक क्योंकि उसका ब्रांच आपने देखा होगा एस का शोभा बाजार ब्रांच एस का बड़ा बाजार ब्रांच एस का मछुआ ब्रांच एस का बीबीडी बाग ब्रांच एस का टॉलीगंज ब्रांच एस का बालीगंज ब्रांच, बाली ब्रांच इतने सारे ऑफिसेस खोल रखे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करने आएगा तो उसके घर के पास वाली बैंक पे आएगा वो टॉलीगंज में रह के बीबीडी बाग में अकाउंट नहीं खोलने वाला है हम लोग भी अगर यहां पे आए पढ़ाने तो हम लोगों ने कहा अकाउंट खोला पास में एच डी एफ सी बैंक थी गिरिश बाग में उसमें अकाउंट खोला क्योंकि अगर हमको कल कोई ट्रांजैक्शन करना हो कोई आरटीजीएस मारना हो पांच लाख रुपए का तो हम बीबीटी बाग जाके आरटीजीएस नहीं मारेंगे हम उतरेंगे गिरीश बाग जाएंगे आरटीजीएस मारेंगे काम कंप्लीट आरटीजीएस पेमेंट सेटलमेंट का एक तरीका होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं फास्ट पेमेंट कर रहा है ना यहां आपने पेमेंट मारा सामने वाले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा बड़ा अमाउंट तो हम लोग आरटीजीएस यूज करते हैं यूपीआई से दस लाख रुपया नहीं भेज पाएंगे यूपीआई से दस लाख रुपया तो अगर किसी को पार्टी को दस लाख रुपया पेमेंट करना और उसको अभी के अभी चाहिए तो तुमको यूज करना पड़ता है आर ये अलग अलग वर्ड्स है रियल लाइफ में आपको ये सब काम आएंगे हम लोगों का सिलेबस ये बनाया गया और ये इसलिए बनाया गया ताकि आप रियल लाइफ में जाके आर्टिकल में इन सब चीजों को अप्लाई कर सके पहले बताइए सिलेबस समझ में आया मैंने बहुत शॉर्ट में ये सिलेबस लिखा है ये सिलेबस धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो ये सिलेबस अपने आप आपको आगे आगे समझ में आते चला जाएगा अब सिलेबस समझने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे का ये होना चाहिए सर ये सिलेबस से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा बट पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कैसे वो मतलब व्हाट इज दी पेपर पैटर्न ऑफ अवर एडवांस अकाउंट्स अभी पेपर पैटर्न को इंस्टीट्यूट ने सारे ही सब्जेक्ट में स्टैंडर्डाइज कर दिया है स्टैंडर्डाइज कर दिया हर पेपर में यही पेपर पैटर्न रहेगा सेक्शन ए रहेगा आपका पेपर का बोलो क्या 30 परसेंट एमसीक्यूज सौ का थर्टी परसेंटेज थर्टी मार्क्स तो पहला पेपर का पेपर का सेक्शन ए जो होगा उसमें तीस मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा ये तीस मार्क्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा ना वो वन मार्क इंटू थर्टी नहीं होंगे वन मार्क इंटू थर्टी क्वेश्चन फाउंडेशन में होता था वो नहीं होगा यहाँ पे केस स्टडी फॉर्म में भी क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे वन मार्क वाले भी क्वेश्चन रहेंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे केस स्टडी का क्वेश्चन देगा तो एक बड़ा सा सिनेरियो देगा उसके छह मार्क्स आठ मार्क्स डाल देगा और उसके चार पांच छोटे छोटे एमसीक्यू बना देगा आपको वो सिनेरियो पढ़ना है और एमसीक्यू में जो पूछा है उसका आंसर करना है वैसे करके टोटल तीस मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे जिसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे के स्टडी बेस्ड भी होंगे और डिरेक्ट क्वेश्चन भी होंगे डिरेक्ट मतलब सिंपल जैसे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है तो हमको टिक करना है सेक्शन 129 कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए हमको टिक करना है शेड्यूल थ्री ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पे नॉलेज नहीं चाहिए यहां पे तुमने कंटेंट को पढ़ा है कि नहीं वो चाहिए और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें कंटेंट पढ़ने से नहीं होगा उस कंटेंट का एप्लीकेशन भी आना चाहिए ताकि उसको सॉल्व कर सके केस को और सारे आंसर निकाल सके तो हमारे पेपर का जो पहला पार्ट रहेगा वो पार्ट रहेगा थर्टी मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी तक के लिए नेगेटिव मार्किंग अभी तक के लिए आगे इंस्टीट्यूट ने लिख रखा है ये हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा हम करेंगे या नहीं करेंगे जैसे पुराने सिलेबस में नेगेटिव मार्किंग्स इंटर लेवल में नहीं था तीस मार्क्स में अभी भी नेगेटिव मार्किंग्स के लिए ना ही बोला गया कि नहीं होगा नेगेटिव मार्किंग बट अगर हो गया थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता हम बच्चों को बोलते हैं आए नहीं आए जय माता दी करके टिक तो जरूर करके आना हना ओमआर में आपको गोला करना पड़ता है तो जब नेगेटिव ही नहीं है जब कटना कुछ नहीं है कहीं अगर मेरे को नहीं आ रहा तुक्का मारे राइट हो गया तो कुछ तो मार्क्स मिलेगा हमको नहीं मरेंगे तो नहीं मिलेगा ही नहीं तो हम लोगों को तो हमेशा आंसर करना ही है ये हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते नहीं भी आए तो जो तुमको अच्छा आंसर लिखना है चार में चार में जो अच्छा लग रहा है वो लिख दो बस तो एक ओ एम आर शीट मिलेगा एक अलग से तीस मार्क का एक पेपर मिलेगा वो तीस मार्क का पेपर में जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर निकाल के ओ एम आर शीट में गोला कर रहा है और ये दोनों पेपर सबमिट हो जाएंगे मतलब तुम वो पेपर घर लेके एमसीक्यू घर लाने नहीं देता है क्योंकि कितना नया नया एमसीक्यू निकालेगा एमसीक्यू घर लाके नहीं देता है ताकि उसका बार बार दे क्वेश्चन तो तो एग्जाम में देता है और वो किसी को नहीं पता पेपर में क्या आने वाला है और वो पेपर सबमिट ले लिया जाएगा सेक्शन बी एक अलग पेपर रहेगा जिसका सेवेंटी मार्क्स रहेगा और यह रहेगा सब्जेक्टिव पोर्शन सेक्शन बी में ना टोटल छह क्वेश्चन होंगे छह में आपको पांच करने पड़ेंगे कितने क्वेश्चन छह में पांच हर क्वेश्चन चौदह मार्क्स का होगा तो चौदह मार्क्स इंटू पांच सत्तर नॉर्मली यही पैटर्न था नए सिलेबस का अभी तक पैटर्न आया नहीं है मैं ये बोल रहा हूं जो पास्ट पास्ट सिलेबस था उसमें थर्टी सेवेंटी जिस पेपर में था उसमें कैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन देना क्योंकि सेवेंटी मार्क्स को और तोड़ ही नहीं सकते सेवेंटी मार्क्स को और आप तोड़ ही नहीं सकते सेवेंटी बाई फोर करोगे तो भी पॉइंट में आएगा

क्योंकि तुम जिससे पूछने के लिए जा रहे हो वही तुम्हारा वेट कर रहा था भाई क्वेश्चन नंबर वन का बताना क्या होगा भाई यही हमको नहीं आता था तुम बताना क्या होगा और अगर वो बता भी रहा है तो जरूरी नहीं है उसका जो आंसर है वो सही हो हाँ जब हमको नहीं आता तो हम सामने वाले से पूछ भी नहीं सकते भाई सही है तो ये ऐसा होता है मेरे पास एक सीए फाइनल में लड़की बैठी थी एग्जाम में लड़की बैठना इज नॉट अ गुड थिंग बिकॉज वो मांगेगी तो देना पड़ेगा और तुम मांगोगे तो कंडीशन के साथ मिलेगा मांगोगी मतलब क्वेश्चन का आंसर मांगोगी मान लो तुमने उससे क्वेश्चन पूछा तो बोलेगी पहले वन का ए बताओ फिर हम वन का बी बताएंगे और वो पूछेगी तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है क्योंकि तुम भी चाहते हो कि भाई ठीक है एग्जाम तो हर बार आएगा लड़की तो एक ही बार बैठी है तो लड़का के लिए ज्यादा ऑप्शन है नहीं लाइफ में ठीक है ना बात? तो ये प्रॉब्लम है अब वो लड़की क्या होता है मेरा एक क्वेश्चन मैं लिख रहा था वो क्वेश्चन बैठ के मेरा छाप रही है मेरे से पूछती है तुम सही तो कर रहे हो ना हम तुम्हारा देख के लिख रहे हैं हम उसको खाली ऐसे देखे फिर बोली तुम जो लिख रहे लिखो हम बस वही लिख लेंगे इंटेंस लुक था चेहरा शरीर हमेशा से ही ऐसा ही था तो खाली देखते ही थे तो समझ जाती थी कुछ बोल देगा उससे अच्छा कुछ बोले कुछ नहीं बोले तो ही ठीक है हम बोला तुम पूछ मेरे से रही हो तुम पूरा देख के लिख रही हो फिर तुम ये मेरे से पूछ रही हो सही है कि नहीं अबे तुमको कुछ नहीं आता तो जो आता है वो लिख लेना मेरे को ये कौन पूछता है कि भाई तेरे को तो तो आता आता है है तो ही हम तेरा छापे तुमको कुछ आता नहीं है, तुम सामने वाले का क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्किंग कर रहे हो वैसे एग्जाम में जो सामने वाला बता दिया हम लोग उसको सही मान लेते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई चारा बट ऐसा बहुत बार होता है कि जो सामने वाला कर रहा है वो भी रॉन्ग है इट इज नॉट हिज मिस्टेक इट इज इंस्टीट्यूट क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न कभी अगर कोई फाउंडेशन में एमसीक्यूज को सही से देखा है स्पेशली मैथ्स तुम अगर गलती करते हो ना कैलकुलेशन में भी तो भी तुमको ऑप्शन दिखाई देता है मतलब वो ऐसा बनाता है अगर तुमने प्लस किया मान लो प्लस सही है उसका आंसर सी में दिख रहा है गलती से प्लस की जगह माइनस कर दिया तो वो भी बी में दिख रहा है इनटू कर दिया तो ए में दिख रहा है डिवाइड कर दिया तो डी में दिख रहा है मतलब वो आंसर बनाने वाला इतना टेक्निकल आदमी है कि वो सारा गलती सोच के आंसर बना रहा है अब हम लोग का क्या होता है एमसीक्यूज में हम लोग क्या बोलते हैं जो पहली बार नंबर इस स्क्रीन पर आया वो सही है टिक कर दो सला जब हम दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं तो अपने पर तो भरोसा दो ज्यादा है मेरा कैलकुलेटर बोल रहा है 220 आया डी टिक कर जबकि आंसर बी था क्योंकि तुम एक थो, एक थो गलती किया था कैलकुलेशन में और वो भी पॉइंट वहां पे ये तुम्हारे साथ होगा इनकम टैक्स में तुम आंसर निकाल रहे हो सब कुछ कर लिए दसठो स्टेप करके आंसर निकाले ग्यारवा स्टेप भूल गए थे अब साला दसवा स्टेप का भी आंसर नंबर डी में दिख रहा है अब खुद पे तो डाउट है नहीं भाई एक लाख बीस हजार बीस हजार आया चल एक लाख बीस हजार डी टिक कर दे जबकि आंसर था बी आंसर था ए तो तो इतना गलती होता है जिसका कोई बोलना ही नहीं है बहुत जन ऐसा होगा कोई ऐसा अभी आदमी होगा इस एग्जाम में यहां पे बैठा हुआ सर अस्सी मार्क का मैथ्स लिख के आए थे सोचे सत्तर आएगा इतना सब राइट करके ऐसा आया पैंतीस चालीस पैंतीस वाला तो होगा नहीं चालीस पैंतालीस बस एकदम पास हो गए जबकि सर हम अस्सी करके आए थे मेरे को लगा था सब सही है क्योंकि आप जो टिक कर रहे वो सही है कि नहीं है किसी को नहीं पता वो क्या उस पेपर में घुमाया है नो वन नोस इसीलिए हमेशा ये बोलता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज मेकिंग योर लाइफ टफ इसका दो कारण है पहला तो इंस्टीट्यूट का पेपर सेटिंग और दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती आईदर इट इज टू आउट ऑफ टू और इट इज जीरो आउट ऑफ टू देर कैनॉट बी वन और वन एंड हाफ बिकॉज वो तुम्हारा स्टेप देखेगा ही नहीं वो तो ओ एम शीट में तुम्हारा खाली टिक देखेगा अब ओ एम में आंसर था सी तुम लिखे बी बोला ये इतना सोचा होगा चलो इसको टू में वन दे देते हैं जीरोज सी C, आपने सी में ही टिक किया तो इट इज टू आउट ऑफ टू जहां स्टेप मार्किंग नहीं होता ना बच्चा बोलता है सर सब सोच के खाली एक स्टेप के कारण मेरे को दो में जीरो मिल गया जबकि अगर अग भैया क्वेश्चन होता था ना तो वो दो में एक दे ही देता तू सोच ना दस स्टेप करने के बाद ग्यारहवा भी गलत हुआ तो, तो तेरा एमसी क्यू तो जीरो हो गया बट अगर स्टेप मार्किंग होता तो वहां पर दो में कितना मिलता है एक डेढ़ मिलता क्यों मिलता सर हम तो दस स्टेप लिखे ही थे जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया ना जो स्टेप मार्किंग का फायदा हम लोग उठाते थे ना वो स्टेप मार्किंग का फायदा खत्म खत्म हो गया, गया। इसीलिए पेपर टफ होना शुरू हो गए तुम्हारा कोई भी सीनियर है जो ओल्ड सिलेबस में एग्जाम दे रहा है उससे तुम पूछोगे ना वो एक ही चीज बोलेगा भाई बस एमसीक्यू निकल जाए क्योंकि भाई सब आता है तो भी एमसीक्यू आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एनसीक्यू में चाहिए अलग से प्रैक्टिस जो कोई बच्चा करता ही नहीं है क्योंकि कोई केस को पढ़ के उसका तीन आंसर करना और केस जब दो पेज का हो दो पेज का केस है फिर तीन ठो तो क्वेश्चन पूछा है तुम तीन ठो तो क्वेश्चन देख लिए बट दो केस का दो के, दो पेज का केस पढ़ने का हिम्मत नहीं हो रहा है तुमको पता होना चाहिए केस को कैसे पढ़ते हैं किस इंफॉर्मेशन को कितना इंपॉर्टेंस देना है कैसे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो चीज तो हम प्रैक्टिस ही नहीं करते जब एग्जाम में जाके पहली बार देखते हैं तो हिम्मत ही नहीं होता कि हम उसको हाथ लगाते हैं हमको उस 30 मार्क्स में ना मैक्सिमम स्कोर चाहिए क्योंकि वो 30 मार्क्स रियली really ऐसा टफ नहीं है बट उसमें हमको प्रैक्टिस करने से हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे हमारा ये पेपर पैटर्न होने के बाद चीजें हमारे लिए थोड़ी इजी नहीं थोड़ी टेक्निकल हो गई है दूसरा प्रॉब्लम एक और है एमसीक्यू इसका पढ़ना पड़ेगा डीपली क्योंकि अगर वो लास्ट लाइन ऑफ दी चैप्टर से भी एमसीक्यू देगा तो आंसर तो करना ही पड़ेगा हमारे पास ऑप्शन नहीं है हम लोग तो क्या होता है लास्ट लाइन को तो ऐसे ही पढ़ के निकाल देते हैं बोला भाई चैप्टर खत्म हो रहा है चल 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 फटाफट पढ़ लेते हैं बट एमसी एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है तो जब एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है मतलब जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए फर्स्ट लाइन था उतना ही इंपॉर्टेंट मेरे लिए लास्ट लाइन भी हो जाएगा एंड इफ आई एम नॉट स्टडिंग एंड उससे एमसीक्यू आ गया तो एक मार्क्स मैंने वहां खो दिया जो बेकार का चला गया मतलब नाइनटी नाइन परसेंट पढ़ने के बावजूद भी मार्क्स जा सकता है अगर वो एमसीक्यू वन परसेंट से बना दिया गया इसीलिए अब थोड़ा सा पढ़ाई में ना डेप्थ लाना पड़ेगा और थोड़ा सा पढ़ाई को और अच्छे से करना पड़ेगा मतलब अब मैं ये नहीं बोल सकता ये वाला पॉइंट कम इंपॉर्टेंट है वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड होता है एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू में कहां से आएगा किसी को पता ही हमको हर पॉइंट इक्वल इंपॉर्टेंट से पढ़ के जाना पड़ेगा मतलब अब वो जो अपने करते थे ना सेक्शनल स्टडी पार्ट स्टडीज कि भाई ये वाला कर ले ये वाला छोड़ दे ये वाला देख ले इसको कम करने से भी हो जाएगा अब वो खत्म हो जाएगा तो जो बर्डन बढ़ाया है ना वो इस थर्टी मार्क्स के लिए ही बर्डन बढ़ा है मार्क्स अपने आप निकल जाएगा कोई टेंशन नहीं है थर्टी मार्क्स में लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट क्या ओवरऑल पेपर पैटर्न याद रहेगा अब ये सिर्फ एक में नहीं कॉस्टिंग का भी पेपर पैटर्न यही रहेगा इनकम टैक्स में क्योंकि दो सब्जेक्ट है पेपर पैटर्न दो पार्ट में टूट जाएगा पचास पचास अब 50 मार्क में भी 30 परसेंट यानी 15 एमसीक्यू हो जाएगा और 35 सब्जेक्टिव हो जाएगा या 60 40 है तो 60 में 30 परसेंट एटीन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और 32 uh, 42 हो जाएगा सब्जेक्टिव वो वैसा ही होगा बट रहेगा यही 30 परसेंट एमसी और 70 परसेंट सब्जेक्टिव तो सर डीटी आई का दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है क्या दो अलग अलग पेपर देता है पूरा अलग सेक्शन पूरा अलग रहेगा एक साथ मिला के नहीं देगा डी टी विल भी अलग एंड आई डी टी विल अलग एफ एम एस एम भी दो अलग अलग पेपर आएगा एफ एम पोर्शन विल भी अलग और एस एम पोर्सन विल भी दोनों में थर्टी परसेंट एमसीक्यू और सेवेंटी परसेंट सब्जेक्टिव ये अच्छा है नहीं तो ऐसा होता थर्टी परसेंट एमसीक्यू पूरा एस एम से भर दिया और सत्तर परसेंट पूरा एफ एम दे दिया या वैसे वर्षा देगा आपको वैसे ही देगा वो आपको ओ एम आर शीट दो देगा आपको पेपर भी दो देगा आपको अकॉर्डिंगली प्रॉपरली फिल करके आना है क्योंकि ई का पेपर कोई और चेक करता है और SM का पेपर कोई तो इंस्टीट्यूट आपसे अलग अलग करवाता है क्लियर रहेगा पेपर पैटर्न याद रहेगा बेसिक चीज है तीस परसेंट एमसीक्यू और सत्तर परसेंट सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हमेशा एक चॉइस होगा एक चॉइस होगा मतलब एक चैप्टर छोड़ के जाना भी है तो जा सकते हैं बट कौन सा पता नहीं और तुम्हारा एक और प्रॉब्लम है नॉर्मली हमको अगर बोलोगे हम ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो 360 डिग्री प्रिपेयर करके जाते थे सिर्फ अपने पढ़ाई पर भरोसा नहीं था हम एग्जाम पैटर्न भी बहुत अच्छे से देख कर जाते थे वैसे ही जब हम पढ़ाते हैं ना तो एग्जाम पैटर्न में क्या कहाँ आने वाला है वो सब बताते हैं जैसे मैं फाउंडेशन में तुमको बोल दूंगा क्वेश्चन टू में ये आएगा थ्री में ये आएगा सिक्स में ये आएगा फाइव में ये आएगा एंड विथ नाइन्टी नाइन परसेंट अक्यूरेसी वो आता भी है अब नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी तक तो, तो एक एग्जाम एक भी नहीं हुआ है हमको क्या पता क्या आने वाला है और मेरा वहां कोई दोस्त नहीं है जो मेरे को पेपर भेजता होगा तो मतलब अब तुम्हारे साथ क्या हो गया बनाने का जरूरत नहीं है वो हम लोग इंस्टीट्यूट की फितरत से समझ जाते हैं बट वो बहुत लेट समझ में आता है जब इंस्टीट्यूट आरटीपी निकालेगा एमटीपी निकालेगा तब जाके समझ में आ जाएगा व्हाट इंस्टीट्यूट इज एक्चुअली थिंकिंग व्हाट इंस्टीट्यूट एक्चुअली वांट्स फ्रॉम अस बट वो आने में अभी फेबर का टाइम है वो अभी नहीं आता है वो आएगा फेबर में तो फेबररी तक तो हम लोगों को पढ़ना मतलब हम लोग वहां चूज ही नहीं हो सकते पढ़ना सब कुछ पड़ेगा जब एक बार इंस्टीट्यूट ने एमटीपी वगैरह निकाला हम इंस्टीट्यूट का फितरत समझ पाएंगे कि वो ये चाहता है हम लोग से तो अकॉर्डिंगली लास्ट दो महीने में हमको इस चीज पे ज्यादा वेटेज और इस चीज पे कम वेटेज देना है बट टिल देन हम लोग अभी कोई चॉइस नहीं है एक्सेप्ट कि हम सारा चीज को प्रॉपरली पढ़ें डन है बात तो तुम्हारे सिलेबस में जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स तुम लोग फेस करोगे बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स अब हिस्ट्री तुम्हारा पहला लिखा जाएगा तुम्हारा नाम सुनहरे सुनहरे पेन से लिखा जाएगा भाई क्या तुम लोग फर्स्ट एग्जाम दिया था सुनहरे अक्षरों में शहीद होने जा रहे हो तुम लोग डन ये सेकेंड पेपर अगर सेकेंड बात समझ में आ गया तो थर्ड बात हम लोग कवरेज कैसे करेंगे पूरे सिलेबस में मैं आपको चार बुक्स दूंगा चार बुक्स चार में नंबर्स ना छह भी हो सकते हैं मतलब क्या है रहा है अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बुक रेडी हुआ तो 500 पेज का अकेला बुक है बस हाँ बस एक्चुअली डरने का बात नहीं है हम लोग ना कॉपी में कुछ नहीं लिखते हैं हमारा सब काम बुक्स में होता है मैं अभी बुक्स दिखाऊंगा आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये दिखाई देता हूं ये मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला वॉल्यूम है जैसे हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम लोग ज्ञान यहीं पढ़ेंगे मैं एएस एस में जाता हूं पहले हम लोग ज्ञान यहीं पढ़ेंगे यहीं पर ज्ञान को एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे मतलब हमको कोई कॉपी मेंटेन करने का दरकार और यहीं पर हर ज्ञान के बाद हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे मतलब मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कोई कॉपी नहीं होगी मेरे बुक में ही सब कुछ होगा तो भी सर 400 पेज का बुक इतना पढ़ाएंगे आप हम ज्यादा पढ़ाते ही नहीं इच्छा ही नहीं करता है समझो बात को यह पढ़ाने के बाद जैसे एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा हम लोग ए एस की समरी मैट में आएंगे एएस की समरी मैट में मैंने क्या किया है हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ऐसा टेबल बना लिया है एक साइड लिखा है कॉन्सेप्ट और राइट साइड लिखा है समरी जैसे ही हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट किए, आपने पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपरली वापस रीड किया अब समरी बनाना शुरू करना है इन्वेंट्री क्या होता है समरी में लिखना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एसेट हेल्ड फॉर बीइंग कंज्यूम्ड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सच प्रोडक्शन फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक वगैरह कैसे कैसे अकाउंट फॉर करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन्वेंट्री की कॉस्ट में परचेज प्राइस आता है लोकेशन कंडीशन तक लाने का खर्चा आता है ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करते हैं, वो सारा ये तीन पेज में कितना पेज तो मेरा ए एस टू मेरी मेन बुक में होगा चालीस पेज का बट हमारी समरी मैट में कितने पेज का होगा तीन पेज मतलब पहली बार ये समरी करने के बाद जब भी रिवीजन करेंगे हम लोग सिर्फ किससे करेंगे समरी से और ये समरी पे समरी बुक पूरा ए एस का मिला के सत्तर अस्सी पेजेस का होगा मतलब मेरे को पढ़ना है लास्ट डेट पे कितना सत्तर पेज मेरे को पूरा का पूरा ज्ञान वापस पढ़ने का दरकार नहीं है समरी बनाते समय जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हम लोग पास में लिख लेंगे इस पॉइंट के लिए क्वेश्चन सिक्स रेफर करना है इस पॉइंट के लिए क्वेश्चन एट रेफर करना है तो जब समरी पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन एट रेफर करते गए हमारा उसी समय काम कंप्लीट थोड़ा पढ़ने के लिए ना स्टेप्स समझो पहला स्टेप हम आपको चीजें समझाएंगे मेकिंग यू अंडरस्टैंड दूसरा स्टेप समझने के बाद एप्लीकेशन करना तीसरा स्टेप अपनी लैंग्वेज में समझना जब सब समझ में आ जाए तो चौथा स्टेप समराइज करना समराइज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम से पहले जो टाइम होता है ना फाइनल रिवीजन का बहुत लिमिटेड होता है अकाउंट्स में कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो पहला एग्जाम है तेरी इच्छा है दो दिन दे तेरी इच्छा है तीन दिन दे तेरी इच्छा है पांच दिन, दिन दे कोई लिमिट बट तो भी हम लोग तीन चार दिन से ज्यादा नहीं दे पाते क्योंकि हमको दूसरे सब्जेक्ट्स भी रिवीजन करने हैं वो तीन दिन में अगर सारा रिवीजन करना है तो मेरे पास ऐसा समरी होना चाहिए सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऐसा समरी होगा जो आपको हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो से तीन पेज में कंप्लीट करवाएगा ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तो ए एस का हमारा दो बुक होगा एक होगा मेन मैट वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू और एक होगा समरी मैट वैसे ही चैप्टर्स में भी हमारे दो मैट होंगे मेन मैट और जो चैप्टर्स का मेन मैट होगा ना उसमें खाली हम लोग चैप्टर्स एंड क्वेश्चन वहां रहेंगे इन क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे कहां पे कॉपी में क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो बुक में जगह नहीं छोड़ा जाएगा कॉपी में जैसे हम लोग नॉर्मल चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं वो करना है बट लिखने का ज्ञान का कामना हम लोग कॉपी में नहीं करेंगे हमारी ऐसी समरी मैट रहेगी जो हमारा फाउंडेशन में भी था फाउंडेशन में एक समरी मैट था याद है सबको हम लोग क्या करेंगे जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग अब यहां पे उसका पूरा का पूरा ज्ञान लिखा हुआ रहेगा बीच बीच में जगह छोड़ा हुआ है जो भी ज्ञान लिखना है हम लोग को इसके बीच में ही लिखना है हम लोग को अलग से कुछ कॉपी मेंटेन करने का दरकार लास्ट डे पर जब जाएंगे तो सत्तर पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पचास साठ पेज का ये टोटल एक सौ बीस पेज में अकाउंट्स कंप्लीट बट पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा ये समरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लास्ट में बुक खोलने का दरकार ना पड़े समरी अगर कोई आधी अधूरी बनाता है तो वो बच्चा बेवकूफ है वो टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया और कंप्लीट भी नहीं किया ताकि बाद में टाइम बच सके तो ऐसा चार मैट आपको मिलेगा टाइम टू टाइम जिसमें दो मैट होंगे मेन मैट और दो मैट होंगे समरी मैट पहला मैट जो मैं आपको दूंगा वो रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन एसेट जो मेरा पहला पोर्शन रहेगा जो मैं शुरू करूंगा दूसरा मैट आपको मिलेगा चैप्टर्स का और समरी दोनों के साथ साथ मिल जाएगा ब्रांच का वो चैप्टर्स वाले में ही रहेगा ब्रांच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर्स वो चैप्टर्स वाले में ही रहेगा तो ये ब्रांच का मैट और कंपनी अकाउंट्स का एक मैट रहेगा एक मतलब दो मैट एक मेन मैट और एक समरी मैट और ए एस का भी दो मैट रहेगा एक मेन मैट और एक समरी मैट और फाउंडेशन में तुमने ये देखा होगा बड़ा से बड़ा चैप्टर पांच छ पेज भी अगर रहता है तो उसको पढ़ने में बार बार ऐसा नहीं लगता कि बहुत पढ़ना पड़ेगा इट इज लाइक पांच छह पेज है भाई एक बार घुमाते हैं कंप्लीट हो जाएगा उससे बहुत फायदा होता है हम लोग को लॉन्ग रन में मतलब हमको अगर ए एस टेन रिवाइज करना है तो हमको 50, 60, 70 पेज नहीं पढ़ना सिर्फ वो तीन पेज को दो बार भी पढ़ लेंगे तो हमको ए एस सेवन वापस याद हो जाएगा समरी कैसे बनाते हैं वो मैं खुद सिखाऊंगा मैं जो सिखाऊंगा उसी गाइडेंस पे आपको समरी रेडी करना है डन है बात परोसा हुआ मैं खाली क्यों छोड़ रखा हूं जगह बताए मैंने क्यों तुमको पहले से ही लिख के नहीं दिया खुद की राइटिंग में जब तक नहीं लिखोगे ना पढ़ते समय खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और खुद की राइटिंग में लिखा हुआ रहेगा ना पढ़ते समय इतना अच्छा लगेगा कि तुमको समझ में आएगा तुमने यहाँ क्या लिखा है हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो फाइनल नोट्स होता है होता है ना वो अपनी ही राइटिंग का होना चाहिए उससे ये फायदा होता है पढ़ते समय बहुत ईज रहता है कौन सा चीज किससे कनेक्टेड है किसको कब पढ़ना और कैसे पढ़ना है और समरी ऐसा चीज है ना किसी को बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाता है और किसी को लगता है कि हमको दो लाइन एक्स्ट्रा लिख लेना चाहिए तो जिसको जैसा लगे वो वैसा लिख सकता है इसीलिए जगह छोड़ा हुआ है डना बात हमारे यहां कोई भी चीज परोस के नहीं खिलाई जाएगी तुमको हर चीज बना के दिया जाएगा खाना लेके ही पड़ेगा बुफे है जमाई भोज नहीं है जवाई भोज नहीं है बुफे है खाना बना दिए हैं अच्छे से खाना तुमको आके ही पड़ेगा जवाई भोज में तो क्या होता है ठूस भी देते हैं ठूसने का काम नहीं करेंगे वो ठूसने के काम से क्या होता है अभी तो बहुत अच्छा लगता है अरे यार मजा आ गया बाद में जब बैठते हैं कुछ याद नहीं आता क्योंकि पेट खराब हो जाता है ना ज्यादा ठूस देने से वो जवाई गाली देता है क्या खिला दिया हमको हाँ क्या बोल रहा है एक्सपीरियंस तुम्हारा भी शादी होगा तो तुमको भी होगा देखो ना हम बहुत सारी बातें सिखाएंगे प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली मतलब बोल के समझा के करके नहीं क्योंकि किया कैसे जाता है वो सब तुम लोग देख रखा है नहीं देखा YouTube पे बहुत वीडियोस अवेलेबल है YouTube में ठीक <coughs> हम लोग इसको बोलते हैं नॉटी कोलकाता <laughs> नॉटी कोलकाता <laughs> भालो कि नॉटी तो हम जो बोल रहे हैं उसका डबल मीनिंग नहीं लेने का बहुत प्योर हर्ट है हमारा डन <laughs> पहले बता सिलेबस पेपर पैटर्न और बुक्स के बारे में सारा बात क्लियर है पक्का एक बच्चे की क्वेरी आती है नंबर वन सर क्लास एक्टिवेशन वगैरह कैसे करना है डोंट वरी अबाउट इट बेसिक चलते चलते सब तुमको मिल जाएगा सारे कम्युनिकेशन हमारे रिटर्न में होंगे चाहे वो मेल से हो चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप पे हो चाहे व्हाट्सएप हो हमारे एप्लीकेशन में थोड़े ऐसे सिस्टम है कि हम आपको अगर क्लास में इनरॉल्व करेंगे ना तो आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपको इस क्लास में इनरोल किया गया है आपका ये सब है तो व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेशन होगा नंबर सही देना ईमेल सही देना ईमेल में भी कम्युनिकेशन होगा जैसे आज की क्लास का मैंने ईमेल कल आपको शूट करवाया था सारे बच्चों को कि कल क्लास होगी ये लिंक है ये लिंक है ये सारा है ईमेल मेल व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम रिटर्न कम्युनिकेशन आर बेटर देन वर्बल क्योंकि वर्बल याद नहीं रहता है कौन क्या बोला था इसीलिए सब कुछ रिटर्न में रहेगा टेलीग्राम ग्रुप हंड्रेड ज्वाइन कर लेना वहां पर ही सारा ज्ञान होता है कोई दिन क्लास नहीं होने वाला है तो भी नोटिफिकेशन वहीं जाता है कि भाई आज क्लास नहीं होगा होता है तो हम बार बार नोटिफिकेशन नहीं भेजते कि आज क्लास है आ जाना आना है तो आना नहीं आना तो मत आना बट जिस दिन नहीं होता है, उस दिन आपको बोला जाता है कि आज क्लास नहीं है मत आइएगा कोई भी पीडीएफ वगैरह मेरे को शेयर करना होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं तो हर चीज टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप मैंने कल मेल में या टेलीग्राम में जो आपको मैसेज भेजा था ना उसमें कुछ नंबर्स भी थे इंपॉर्टेंट नंबर्स कोई एडमिन रिलेटेड क्वाइरी हो कोई ऑर्डर रिलेटेड क्वायरी हो कोई टेक्निकल क्वायरी हो अगर सही नंबर पर रीच आउट करोगे ना तो जल्दी सोल्यूशन होगा तुम गलत नंबर पर रीच आउट करोगे तो तुमको लगेगा घुमाया जा रहा है हम इधर फोन किए तो बोल रहे उधर कीजिए उधर कीज़े। अरे तो उधर हर चीज का एक सिस्टम होता है ना हर आदमी तो सब काम नहीं कर सकता इफ यू हैव अ टेक्निकल क्वायरी प्लीज आस ऑन दी नंबर जो टेक्निकल का दिया हुआ है और सबसे बेस्ट होता है रिटर्न मतलब आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कि मेरा ये प्रॉब्लम है ये उसका स्क्रीनशॉट है प्लीज सॉल्व कर दीजिए आप फोन करेंगे फोन नहीं उठाएगा आप बोलेंगे मेरा फोन ही नहीं उठाता है कोई जबकि आपको पता चल रहा है वो बिजी है तो भी मेरा फोन नहीं उठाया तो फोन नहीं करने से बेटर है आपको क्या करना है व्हाट्सएप करना है अगर आप व्हाट्सएप करेंगे आपको सारे के सारे चीजों के सोल्यूशन मिलेंगे कोई कारण से कभी किसी चीज का सोल्यूशन नहीं आए डायरेक्टली कम टू मी और नवनीत सर और एनी अदर सर जो आपको पढ़ा रहे हैं मेरा मैं पर्सनल नंबर दे देता हूं आप हमेशा व्हाट्सएप कर सकते हैं रिप्लाई जब मैं फ्री होता हूं तभी करता हूं एट नाइन वन जीरो सिक्स सेवन सिक्स नाइन टू एट इज माई व्हाट्सएप नंबर एट नाइन वन जीरो व्हाट्सएप नंबर एंड चिंता मत करना सारा नंबर तुम लोग का मेरे पास सेव्ड है तो कुछ लिखोगे मेरे को पता चलेगा कौन लिख रहा है क्या लिख रहा है तो हम आंसर हमेशा तुमको नाम से ही करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर बोलूंगा नहीं चिंता मत करो अभी एक बच्चा मेरे को सुबह फोन किया था वत्सल कौन है वत्सल कोई बच्चा मेरे को फोन किया था वो वत्सल है उसने मेरे को फोन किया तो मेरे पास ना सारे के सारे बच्चों के नंबर सेव्ड रहते हैं तुम जब भी फोन करोगे हम हमेशा तुमको नाम से एड्रेस करेंगे जैसे तुम्हारा नाम अगर साहिल है तो नाम साहिल से बोलेंगे साहिल नाम राम है तो हम नाम से बोलेंगे राम क्योंकि मेरे पास सारे नंबर सेव्ड रहते हैं जो भी बच्चा मेरे यहाँ इनरॉल करता है वो इसीलिए सेव करते हैं ताकि जिससे कम्युनिकेशन आ रहा हमको पता चलना चाहिए वो कौन है सीए इंटर वाला है सीएमए वाला है सीए फाउंडेशन वाला है नहीं पता चलता तो आधा क्वेरी तो ये पूछ लेता भाई है कौन तुम <laughs> इसीलिए तुम्हारे सारे के नंबर्स हमारे पास हमेशा सेव्ड रहते हैं सो दैट हम आपकी क्वेरी जल्दी कर पाए एड्रेस कर पाए कभी किसी बच्चे को ऐसा लगता है ना कहीं उसका क्वेरी एड्रेस नहीं हुआ एक दिन हो गया दो दिन हो गया कोई बता नहीं रहा है डायरेक्टली रीच आउट टू मी विथ विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रॉब्लम भैया मेरे को ये प्रॉब्लम है ये स्क्रीन है भैया देखो ना सॉल्व नहीं हुआ और बोलने का जरूरत नहीं है चार दिन से कर रहे हैं हुआ नहीं सब नहीं लगेगा बोल देना भैया थोड़ा सॉल्व करवा दो ना हो नहीं रहा है पहले मेरे को मैसेज मत करना अगर कोई बच्चा मैं देख रहा हूं बिना बोले मेरे को मैसेज कर रहा है मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा मतलब टेक्निकल के पास नहीं जाके मेरे को बोल रहे भैया मेरा सॉल्व कर दीजिए क्या फायदा उसका जो जिस चीज के लिए पर्सन है उसको काम दो भाई तो वो टेक्निकल वाले के पास पहले रीच आउट करना नहीं हो तो मेरे को बोलना मैं फास्ट ट्रैक करवा दूंगा बट डायरेक्टली मेरे को रीच आउट मत करना क्योंकि फिर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं डन हर चीज वेरी ट्रांसपेरेंट वेरी लूसिड हम लोग आपको एज अ कस्टमर नहीं एज अ स्टूडेंट एज अ ब्रदर एज अ सिस्टर देखते हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई जितने भी बच्चे हैं उनको हम सर्व कर सके कभी कोई गलती हो जाए तो माफी नहीं चाहिए एड्रेस कर देना हम सॉल्व करवा देंगे ठीक मैं हमेशा क्लास के बाद भी अवेलेबल रहता हूं मतलब तुम्हारी क्लास खत्म होगी तो ऐसा नहीं है हम भी निकल जाएंगे आई ऑलवेज स्टे हेयर फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स जब तक आपके डाउट खत्म नहीं होते कोई भी तुम्हारा डाउट हो हमेशा आके पूछ सकते हो जो बच्चे लाइव एट होम कर रहे हैं वो चैट्स में डाउट पूछ सकते हैं मैं देखता हूं और जो आंसर करने लायक चीज होती है मैं खुद ही आंसर कर देता हूं और जो बच्चे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में करते हैं वो भी अपनी क्वेरी टाइम टू टाइम टेलीग्राम ग्रुप में रेस करना हम लोग सॉल्व कर देंगे हम अकेले नहीं हम लोग देखो एक मजेदार बात बताता हूं एक होता है डाउट सॉल्विंग जहां आप मेरे से डाउट सॉल्व करवा रहे हो अगर सोचो किसी का डाउट आप सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा क्या कि हाँ भाई ये मेरे को याद है ये वाला चीज ऐसे बोले थे अगर टेलीग्राम ग्रुप में कोई भी क्वेरी आती है आप उस क्वेरी का आंसर कर सकते हो बट सर टेलीग्राम में आपने हमको ना बंद कर रखा है हम लोग बोल नहीं सकते सर हम लोग हमेशा एक ग्रुप और बनेगा जहां पे डाउट फोरम रहेगा उस डाउट फोरम में सब बच्चे कुछ ना कुछ सब बच्चे बोल सकते हैं मतलब आपके लिए मैसेजिंग ऑन रहेगी बट बेकार बातें वहां गुड मॉर्निंग गुड नाइट हम लोग को नहीं करना है वहां पर कोई भी बच्चा अपना डाउट पोस्ट करेगा जो भी बच्चा डाउट पोस्ट किया है आप लोग भी आंसर कर सकते हैं और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं जाके आंसर देख के मैं उसको पिन कर दूंगा कि ये आंसर बिल्कुल सही है इसको रेफर कर लेना और आपसे नहीं होगा तो फिर मैं तो आंसर करूंगा ही ये इसलिए जरूरी है इसको हम लोग बोलते हैं थोड़ा इंटरैक्टिव बनाना डाउट्स को अगर उस बच्चे से डाउट सॉल्व करके किसी को नया डाउट समझ में आता है वो और अच्छा बात है इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि डाउट मिलकर सॉल्व किए जाए सारे डाउट्स टेलीग्राम के फोरम पे ही सॉल्व किए जाएंगे इधर उधर सॉल्व नहीं किए जाएंगे डन धीरे धीरे हमारा जैसे एस एस सी आई का क्यू फोरम है वो क्यू फोरम पे भी हम आपको डाउट्स पूछने का ऑप्शन देंगे जहां पे आप अपना डाउट रेस करोगे और उधर जितने भी बच्चे इनरॉल्व है वो सारे बच्चे वहां पे आंसर कर सकते हैं मैं आपको बता दूंगा कैसे वहां पे डाउट्स पूछना है फॉर दी टाइमिंग हम लोग टेलीग्राम ग्रुप को ही अपना डाउट फोरम बनाएंगे अपने हर जगह डाउट नहीं पूछेंगे टेलीग्राम ग्रुप में हम पर्सनली है कभी कुछ मैसेज करना हमको वहां से देख के भी मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे करना इस नंबर पे भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है डन और ये मेरा पर्सनल नंबर है सच में पर्सनल नंबर है तो फोन मत करना <laughs> फोन करोगे हम उठा नहीं पाएंगे क्योंकि अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं अभी एक बच्चे का फोन आया अभी फोन निकाले तो फोन आया सी ए इंटरमे ट्वेंटी फोर मोहम्मद कुछ नाम है उसका फोन आया तो हम फोन नहीं उठा पाएंगे क्योंकि तुम्हारे सामने फोन उठाएंगे तो तुम क्या समझोगे कि यार सर क्लास में फोन में ही बात करते हैं सर पढ़ाएंगे कब तो आई डोंट पिकअप कॉल्स आई आंसर ऑन व्हाट्सएप आई आंसर ऑन टेलीग्राम कभी आंसर छूट जाए तो वापस एक बार पिंक कर देना सर एक बार बता दो यार लाइव वाले बच्चे ट्राई करेंगे फेस टू फेस ही डाउट सॉल्व करवा ले उनको वापस टेलीग्राम में आने का जरूरत नहीं है लाइव एट होम और रिकॉर्डेड वाले टेलीग्राम व्हाट्सएप को अपना डाउट का मीडियम बनाए डन कैसे पढ़ाई होगी क्या सिलेबस है क्या बुक्स होगा यह सब क्लियर है टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग लास्ट बात में ये बोलूंगा कि हम लोग पढ़ाई ना सिलेबस से चालू नहीं करते हैं जैसा कि मैंने बोला अब ब्रिज नहीं रहा बिटवीन फाउंडेशन एंड इंटर सिलेबस अब मेरे को एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा वो ब्रिज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से बताओ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक्स में इतने बेसिक्स पॉइंट्स पर बात करेंगे ताकि एक बार फाउंडेशन में पढ़ा हुआ सारा चीज हम लोगों को याद आ जाए जैसे ही मेरे को लगेगा ना आपको फाउंडेशन वाली सारी चीज याद आ गई फिर हम लोग इंटर का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे इंटर के सिलेबस में हम लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से पढ़ेंगे पता है जैसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ाऊंगा बताना बचपन में पढ़ा है कि नहीं इन्वेंट्री पढ़ा है इन्वेंट्री तुमने एक पूरा चैप्टर पढ़ा था अब हम लोग ए एस टू स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पहला ए एस फिर मैं पढ़ाऊंगा ए एस टेन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बचपन में डेप्रीसिएशन कोई चैप्टर पढ़ा था डेप्रीसिएशन हम लोग इंटर में वापस पढ़ेंगे ए एस टेन जब तुम लोग धीरे 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 वो फाउंडेशन की चीजें इंटर में वापस देख के अकस्टम्ड हो जाओगे ना कि हाँ मेरे को चीजें कनेक्ट हो रही है तब हम लोग नई वाली चीजें अपनी चालू करेंगे तो ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स जब हमारा बेसिक्स हो जाएगा तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाएंगे ए एस टू टेन जो हमने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ रखा है एंड उस तरीके से हम लोग अपने सिलेबस को आगे लेकर जाएंगे किस सीक्वेंस में पढ़ाई होगा उस सीक्वेंस का एक पीडीएफ बनाया हुआ है वो पीडीएफ में आपको भेज दूंगा ताकि आपको पता रहे हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लगेगी वो सारा डिपेंड करता है आपका इंटरक्शन आपका रेगुलर पढ़ाई कैसा है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे सिलेबस में बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा अगर हमको लगेगा आप थोड़ा स्लो है आपको समझाने में टाइम लगता है तो सिलेबस में थोड़ा टाइम लगेगा बट एडिक्वेटली इतना जल्दी खत्म हो जाएगा कि आप अपना फाइनल रिविजन करके एग्जाम में अच्छे से बैठ सके और आपका अकाउंट्स का पेपर में एग्जामिशन तो हंड्रेड परसेंट आए इतना जल्दी मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा तो डोंट वरी अबाउट इट बट ये तुम पूछोगे ना एग्जैक्ट डेट बता दीजिए इट इज इम्पॉसिबल एंड मेरे हिसाब से फॉर एनी टीचर इट शुड भी इम्पॉसिबल बिकॉज हर टर्म में नए बच्चे आते हैं जिनकी अलग इंटेलिजेंस होती है जिनका अलग कैचिंग पावर होता है और उनको पढ़ाने के लिए अलग समय लगता है कोई दो बच्चा कैन नॉट बी सेम इस बैच में राम आया है नेक्स्ट बैच में शाम था लास्ट बैच में शाम था इस बैच में राम है और शाम और राम में जमीन आसमान का फर्क है ये राम बहुत अच्छा है वो शाम इससे अच्छा था तो ऐसा ठीक तो तो है इसीलिए इसको थोड़ा अच्छा बोले क्योंकि वो तेरे को बोला यहां आने और तुम उससे पूछा इसीलिए तेरे को खराब बोले पूछा क्यों डन हाँ। तो पहले अपने स्टार्ट करेंगे कहां से बोलो बेसिक्स आज मैं बेसिक्स में सिर्फ एक वर्ड आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो वर्ड है हमारे सब्जेक्ट का नाम बोलो क्या अकाउंटिंग जानते हैं अकाउंटिंग क्या होता है वेरी गुड देखो बच्चा बहुत इजी तरीके से एक वर्ड बोला जो उसने फाउंडेशन में अच्छे से सुना है अच्छे से पढ़ा है सर अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना क्या होता है ना, हिसाब ना, रखना हिसाब किताब सही बोला हिसाब किताब सिंपल बात तेरे को यहां से अगर शुरू करूं तो अकाउंटिंग समझाने का या सीखने का बेस्ट तरीका होता है घर में जो डेली का खर्चा के लिए पापा मम्मी को पैसे देते हैं और मम्मी पापा को टाइम टू टाइम हिसाब देती है आपके घर पे ये सिस्टम है कि नहीं पता नहीं मारवाड़ी घर में मारवाड़ी घर में एक रोकड़ का सिस्टम होता है हम लोग रोकड़ बोलते हैं जिसको कैश बॉक्स भी बोल सकते हो सिंपल क्या होता है मैं तुमको समझाता हूं इम्प्रेस्ड पेटी कैश पड़े थे कभी इंप्रेस्ड पेटी कैश हम लोग के घर में वो इंप्रेस्ड पेटी कैश रोज होता है घर खर्चे के लिए कौन जिम्मेदार है मतलब कौन घर खर्चा करता है मम्मी करती है तो घर खर्चे के लिए पैसे भी किसके पास होने चाहिए मम्मी के पास बट कमाते कौन है पापा अब क्या होता है पापा कमाई करके पैसा लाते हैं और उस पैसे को सेफ रखने का जिम्मेदारी पापा का है क्योंकि मम्मी को घर चलाना है तो मम्मी को भी टाइम टू टाइम वो पैसा चाहिए क्योंकि घर चलाने के लिए क्या लगेगा खर्चा खर्चे के लिए क्या चाहिए पैसा तो पापा ने मम्मी को पांच हजार रुपया मान लो एक जनवरी को दिया बोला इस पांच हजार रुपया को घर खर्च में यूज करो मंथली बजट हो सकता है पचास हो बट पापा पचास एक साथ नहीं देते पापा को मम्मी से बहुत डर लगता है पचास हजार हाथ में आते ही मम्मी को शॉपिंग सूचने लगता है पता नहीं क्यों तो पापा मम्मी को बोलते शॉपिंग के लिए अलग से अभी घर खर्चे का हिसाब अलग रखना है तो पांच हजार रुपया पापा मम्मी को एक जनवरी को दिए पापा मम्मी को एक जनवरी को जब पांच हजार रुपया दिए ना तो एक कॉपी में एक पेज में लिख दिए पांच हजार गिवेन ऑन फर्स्ट जनवरी इंग्लिश में नहीं लिखते हिंदी में लिखते हैं पांच हजार एक तारीख को दे दिया धन्यवाद अब मम्मी क्या करती है इस पांच हजार से डे टू डे खर्चा करती है मम्मी को सिखाया हुआ है जो भी खर्चा करो क्या चीज का खर्चा था और उसमें कितना रुपया लगा वो एक जगह लिखते चले जाओ तो मान ले एक जनवरी को क्या हुआ सुबह सुबह ब्रेड वाला आया ब्रेड वाला से ब्रेड और दूध लिया तो ब्रेड दूध सौ रुपया फिर थोड़ी देर दोपहर में एक सिलेंडर वाला आया सिलेंडर बारह सौ रुपया फिर उसके बाद शाम को मान लो वापस दूध वाला आया दूध वाला दो सौ रुपया फिर उसके बाद सब्जी वाला है सब्जी वाला को दिया पांच सौ रुपया मम्मी को रोज लिखना पड़ता है और मम्मी रोज हिसाब करके शाम को बैठ के है क्या करती है एक बार पांच हजार रुपया से जितना खर्चा हुआ माइनस कर लेती है और देख लेती है उतना पैसा है या नहीं है अगर कुछ कम बेसी होता है तो मम्मी याद करती है क्या था मम्मी पूछती अरे ले गया था क्या कोई पैसा बिना बताए लेके हम लोग ही लेके निकलते हैं हम लोग को भी मम्मी पैसा देती है कि लो जो खर्च करना है कर लेना तो हम लोग कभी कभी लेके निकल जाते हैं मम्मी को बताते नहीं है फिर मम्मी शाम को पूछती है यार सौ रुपया कम हो रहा है कौन लिया था तो ये जो मम्मी कर रही है ये क्या कर रही है हिसाब किताब कर रही है ये भी एक तरीके से अकाउंटिंग ही तो है कि मम्मी को पा, पापा ने मम्मी को पांच हजार रुपए इंटरेस्ट किए घर खर्च चलाने के लिए घर खर्च को बिजनेस समझो घर का काम को बिजनेस समझो पांच हजार रुपए मम्मी को पकड़ाए गए बिजनेस करने के लिए मम्मी ने बिजनेस में उस पैसे को यूज किया और यूज करने के बाद पापा को बताया कि उस पैसे का अल्टीमेटली हुआ क्या इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंटिंग बोलते हैं हाँ वो अकाउंटिंग में तुमको डेबिट क्रेडिट टी फॉर्म दिखाई नहीं देता है बट एक्चुअली है तो वो भी अकाउंटिंग उसको हम लोग बोलते हैं सबसे रॉ फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग वो इतना रॉ होता है कि कोई भी इंसान अगर बैठ के उसको देखेगा ना उसको समझ में आ जाएगा क्या हुआ बट हम लोग उसको इतना रॉ इसलिए लिखते हैं ज्यादा समराइजेशन वगैरह में नहीं जाते या ज्यादा फॉर्मेट्स वगैरह में नहीं जाते क्योंकि वो इंफॉर्मेशन किसी और को हमको देनी वो सिर्फ बात पापा और मम्मी के बीच का है मम्मी ने पापा ने पांच हजार रुपया दिया मम्मी खर्चा लिख के पापा को हिसाब देगी जैसे हिसाब देगी पापा पांच हजार रुपया वापस देंगे खर्च करने के लिए तो पापा क्या करते हैं हर दो दिन तीन दिन, दिन में हिसाब करते हैं मम्मी ने बोला चार हजार आठ सौ खर्च हो गया दो सौ रुपया ये रहा पापा क्या करते हैं वापस चार हजार आठ सौ मिला के पांच हजार वापस मम्मी को दे देते हैं ये लो अब अगले हफ्ते का जो खर्चा है वो कर लेना इसी को इंप्रेस्ड पेटी कैश बोलते थे यही मम्मी मेंटेन करती है एंड ये भी तो अकाउंट ही है वही अकाउंटिंग हम लोग घर पे देखते हैं तो अकाउंटिंग अगर किसी को बेसिक लेवल पे देखना है ना वो अपने घर में मम्मी द्वारा रखा हुआ हिसाब को देखो हम लोगों ने तो हमेशा हिसाब रखना वहीं से सीखा है हम लोग रखते नहीं है ये हमारी बहुत गंदी आदत है बट मेरे पापा अभी भी अगर हर दिन दो सौ रुपया भी खर्चा होगा ना पापा के डायरी में वो दो सौ रुपया लिखा हुआ रहेगा मतलब पापा अगर पचास रुपए का टैक्सी में भी जाएंगे ना तो पापा में तुमको वहां लिखा रहेगा टैक्सी पचास रुपया इस चीज के लिए खर्च हुआ पानी का बोतल भी खरीदेंगे तो बीस रुपया का पानी का बोतल लिखा हुआ रहेगा पार्किंग का चालीस पेमेंट करेंगे तो पार्किंग का चालीस भी लिखा हुआ क्योंकि पापा को लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत से एंड रियल में उन्होंने बहुत मेहनत से पैसा कमाया और वो एक एक रुपया उनके लिए एक एक लाख के बराबर है हम लोगों ने वही पैसा बहुत इजीली कमा लिया क्योंकि हमारे पास हमेशा पापा का सपोर्ट था तो हमने क्या किया हमको धंधा शुरू करना था पास फेल का कोई डर नहीं था क्योंकि अगर धंधा में कामयाब ना भी होते तो पता था कि पापा के बिजनेस में जाके बैठ बट जब पापा ने बिजनेस शुरू किया तब पापा के पास कोई बैकअप तो उनके लिए एक एक रुपया जो कमाए हुआ है ना वो बहुत 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 ज्यादा हार्ड एंड है इसीलिए उनका हिसाब बहुत अच्छा है और हमारे लिए क्या है हर चीज बहुत परिसी हुई मिली थी तो हम लोग ज्यादा हिसाब पापा बोलते हैं पांच रुपया दिए कहां खर्च किया पापा बस हो गया छोड़ो ना पापा कभी कभी डांट भी देते दे, हो गया छोड़ो ना मतलब पांच सौ रुपया दिए खर्च हो गया तुमको पता ही नहीं कहाँ खर्च हुआ तो फिर हम लोग बैठ के लिखते हैं पापा बीस रुपया लिखना क्यों नहीं चाहते बीस रुपया का कचौड़ी खाएं पचास रुपया का डोसा खाएं साठ रुपया का था हम सब पिए पापा ऐसे ही झाड़ देंगे फेबर का महीना होगा तो क्या क्या लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे हम बताओ अरे दीदी ठंड पड़ता है गर्म चाय वाय पीना पड़ता है हाँ, फिर वो सात दिन का अलग खर्चा 25 से 31 दिसंबर तुम लोग कौन सा सोच रहा था है, क्योंकि वो बोला ना दिसंबर का 25 दिसंबर का तो उससे वहां फिर गए हम सात दिन में क्या खर्चा छोड़ो ना उस टाइम सब ओडी हो जाता है ओवर बैलेंस दोस्तों से उधार चलता है मेरा एक दोस्त मेरे से लिया था उसके बाद हम उधार देना बंद कर दिए डेट हो जाता अगर हम समय से नहीं पहुंचते हम टाइम पे पहुंचे तो वो पैसा दे दिया हमको वो मेरा दोस्त मेरा दोस्त ही था भाई <laughs> उसका नाम था सौरभ झा हम लोग बोलते थे सौरभ झा लड़की लेके था <laughs> ऐसे ही कोई झा जी को कमेंट नहीं किया वो मेरा दोस्त को बोलते थे हम तो उसको ऐसे बोलते थे बड़ा ही एक बार पंद्रह सौ रुपया का उधार लिया भाई उस समय पंद्रह सौ रुपया जब हम कमाते नहीं थे तब तो ज्यादा ही था बाद में पता चला वो पंद्रह सौ रुपया लिया था क्योंकि उसकी वाली का बर्थडे आ रहा था उस बर्थडे में उसको गिटार भाड़े पर लेके उसके लिए गाना बना और फिर वो छोड़ के भी चली गई थी हम पैसा वसूली छोड़ के जाने से पहले कर लिए थे छोड़ के जाने के बाद वो पैसा नहीं देता भाई तेरा पैसा मेरे लिए उभरा नहीं तेरा पैसा बहुत खराब था इसी से वो गिटार खरीदे थे दे, नहीं देंगे तो ये सारा चीज का ऐसा बात है कि अकाउंटिंग अगर बात करो ना रूट लेवल पे आपको सबसे पहले अपने घर पे अकाउंटिंग दिखेगी और सिर्फ यही अकाउंटिंग नहीं अकाउंटिंग जैसे हम लोग तो अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं डेबिट क्रेडिट वाली को इसको अच्छे नाम से बोले तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं अकाउंटिंग सिर्फ एक नहीं होता हिसाब कई जन रखते हैं जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग होता है कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होता है जो आपका एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ही पार्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हर चीज का हिसाब जहां पे भी रखना होता है उसके पीछे वर्ड लगा देते हैं बोलो क्या चीज अकाउंटिंग अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करता है वो पैसे का हिसाब रखता है जो कॉस्ट अकाउंटिंग करता है वो कॉस्ट का हिसाब रखता है खर्चों का जो एक प्रोडक्ट को बनाने में सर्विस को देने में उसका खर्चा लगा वो प्रोडक्ट के कॉस्ट का हिसाब रखेगा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है वो इन सब चीजों से डेटा निकाल के रिपोर्टिंग करता है जिससे वो मैनेजमेंट डे टू डे डिसीजन मेकिंग कर सके फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं पढ़ा रहा हूं कॉस्ट नवनीत पढ़ाएगा दोनों में तुमको एक चीज दिखाई देगा बातें सर लोग सेम कर रहे हैं बस दोनों अपने अपने तरीके से क्योंकि दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के नवनीत सर का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि कॉस्ट कम लगेगा लोगों को बताएंगे लोग बहुत खुश होंगे नवनीत सर का ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करो वही प्रोडक्ट कम दाम में बनेगा तो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा अब प्रॉफिट अच्छा होगा तो उसको दिखाने का काम नवनीत नहीं कर सकेगा क्योंकि उसको दिखाने का काम मेरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ये बताएगा कि इतना में माल बनाया इतना में बेचा इतना प्रॉफिट हमारे घर आया है स्टेक होल्डर देखो तीस परसेंट का रिटर्न जनरेट किया है वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा कॉस्ट का डेटा लेगा मेरा डेटा लेगा और कल हम लोगों को क्या करना है फ्यूचर में क्या करना है बिजनेस में और क्या इन्वेस्ट करना है क्या करना है वो सारा डिसीजन लेगा हम लोग जो बात करेंगे ना अकाउंटिंग का अकाउंटिंग शब्द जो हम लोग यूज करेंगे वी विल यूज द टर्म फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहां पे बिजनेस होने बिजनेस में होने वाले पैसे के लेन देन का हिसाब हम लोग रखेंगे और यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे ना हमको टोटल तीन स्टेप्स दिखाई देंगे पहला स्टेप बुक कीपिंग बुक कीपिंग दूसरा स्टेप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तीसरा स्टेप एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग फाउंडेशन में तुम लोग पता है क्या कर रहे थे बुक कीपिंग इंटर लेवल में पता है क्या करेंगे स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे मेजर पार्ट ऑफ सिलेबस इज लिंक्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल लेवल में पता है क्या करेंगे एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग तुम्हारा जो फाउंडेशन इंटर और फाइनल का अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ना वो ऐसे डिफर करता है फाउंडेशन में ना तुमको ये नहीं बताया जाता था ज्यादा कि कंपनी ने क्या किया कंपनी के स्टेक होल्डर को बताओ इन्फॉर्म करो इससे क्या इंपैक्ट होगा इसका क्या इंपैक्ट होगा इससे ऐसे करने से कैसा होगा वो सब फाउंडेशन में नहीं था फाउंडेशन में सिर्फ यह था ट्रांजेक्शन हुआ है ट्रांजेक्शन को लिखना सीखो और बताओ कितना प्रॉफिट हुआ कितना नुकसान हुआ क्या बैलेंस शीट है फाउंडेशन में वी स्टार्टेड विद बुक कीपिंग फर्स्ट इंटर लेवल में बुक कीपिंग की बात करेंगे ही नहीं क्योंकि वो हो चुका है अब हम लोग सीधा बात कहां से शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट्स की की या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहां पे हम लोग सारे बुक्स को समराइज करके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बनाएंगे जिससे हम लोग बिजनेस का सार समझ सके पूरे साल भर कामकाज करके कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ साल के एंड में हमारे पास कितने एसेट्स है कितने लाइबिलिटीज है कितना कैपिटल है ये सारा चीज कौन बताएगा हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरे साल भर में पैसे कहां कहां से आए उन पैसे को हमने कैसे कैसे यूज किया ये सारा चीज सीखेंगे कहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनल में क्या सिखाएंगे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिखता है तो बताइए इसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर एसेट में यह दिख रहा है लाइबिलिटी में यह दिख रहा है तो बताइए इसको कैसे प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए इसका क्या डिसीजन मेकिंग होगा क्या एनालिसिस होगा वो कौन सिखाएगा फाइनल लेवल इंटर लेवल में हमको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन सिखाना है मैंने बोला ना आर्टिकलशिप में जाने से पहले एक बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि ये सब चीजें आपको पता है कैसे करते हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज उसी चीज का होगा वो कहां मिलेगा आर्टिकलशिप में और उसी नॉलेज से हम लोग क्या पढ़ेंगे फाइनल्स का एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग तो अभी जब मैं इंटर में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा ना आई विल बी वेरी मच कंसर्न विद आई विल बी वेरी मच टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बाई फाइनल अकाउंट में इन सब चीजों का क्या इंपैक्ट होने वाला है मैं बार बार तुमको जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री नहीं बोलूंगा अरे इन्वेंट्री परचेज क्या एंट्री बोलो तो तुम बोलोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं बोलना है क्योंकि इन्वेंट्री परचेज का जर्नल एंट्री ऑलरेडी हम लोगों ने बुक कीपिंग वाले पार्ट में सीख रखा है पहले जो इंटर का सिलेबस था वो क्या पार्ट था पहला पार्ट था बुक कीपिंग सीख लो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो कर लो उसके बाद कंपनी अकाउंट्स में जाना बट अब जो सिलेबस बता दिया अब सीधा बुक कीपिंग को पूरा ही हटा दिया है सीधा वो लोग कहां से शुरू करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बट जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्योंकि अकाउंटिंग के रूल्स है वहां पर हम बुक कीपिंग के रूल्स भी पढ़ेंगे और फाइनल अकाउंट्स के रूल्स भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम ब्रिज कर पाएंगे बिटवीन बुक कीपिंग एंड फाइनल अकाउंट्स तो सबसे पहला वर्ड अकाउंटिंग क्या होता है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सिंपल वर्ड में बोले जैसे बच्चे ने बोला अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब रखना और ये हिसाब रखना स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कई तरीके से हो सकता है बट जब हम लोग बिजनेस की बात करेंगे जब हम बड़े बिजनेस की बात करेंगे तो बहुत प्रॉपरली ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा हम लोग इंटर लेवल में जो सारी बातें करेंगे ना कंपनी को कंपनी को अपने सामने रख के करेंगे और जब हम लोग कंपनी की बात करते हैं तो बताए है कौन आ जाता है कंपनी अगर कंपनी मतलब विच इज अ लॉ तो हमको सारा बात पूछ के करके समझ के करना होगा हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर नहीं सकते जो चैलेंज है ना अभी तुमको पढ़ाने में द चैलेंज इज पहले मेरे को तुमको अकाउंटिंग का रूल सिखाना पड़ेगा अकाउंटिंग का रूल सिखा लिया अब कंपनी अकाउंट्स में जा रहे हैं तो कंपनीज एक्ट भी बताना क्योंकि अगर कंपनी का रूल नहीं बताया नॉर्मल रूल बता के अकाउंटिंग करने गए तो कंपनीज एक्ट बोला हम तो ये नहीं बोले थे हम तो ऐसा बोले थे ऐसा करना था तो हमारा सारा किया हुआ काम क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो हमको तुमको पहले अकाउंटिंग का रूल सिखाना पड़ेगा अकाउंटिंग रूल समझने के बाद डेबिट क्रेडिट समझने के बाद फिर तुमको कंपनीज एक्ट समझाना पड़ेगा जैसे ही कंपनीज एक्ट समझ जाओगे फिर हमको अकाउंटिंग सिखाना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं कंपनीज एक्ट के रूल फॉलो करने से भी होगी अकॉर्डिंगली हम लोगों को थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करना पड़ेगा हम लोग शुरू करेंगे जब नेक्स्ट क्लास हम लोग आएंगे वी विल स्टार्ट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए जो मेरे को लगता है एक बच्चे को हमेशा पता होने चाहिए मेरे को पांच चीज पर डिस्कशन करना है ताकि मैं फाउंडेशन वाली सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर लू पहला पॉइंट क्या है देख पहला पॉइंट देख क्या है अकाउंटिंग दूसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट सुना है ट्रू एंड फेयर व्यू yes, कोई भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी तो सही बनाना होगा या गलत yes, सही मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे तो ये ट्रू फेयर व्यू क्या होता है ये समझना पड़ेगा क्योंकि ये हव, ये वर्ड ना हर जगह तुम्हारे सामने आएगा तुम लॉ पढ़ोगे तो भी ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा तुम ऑडिट पढ़ोगे तो भी ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा तुम अकाउंट्स पढ़ोगे तो भी ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू समझना पड़ेगा तीसरा देख क्या लिखा चौथा क्या लिखा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बचपन एसेट्स लाइबिलिटीज कैपिटल इनकम एक्सपेंस अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटीज कंटिजेंट एसेट्स ये जो बेसिक्स वर्ड होते हैं ना फाइनल अकाउंट के बेसिक वर्ड होते हैं अकाउंटिंग के उनको समझाना पड़ेगा जो फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं उनको हमेशा फाउंडेशन में भी ये चीज पढ़ाई जाती है बट बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फाउंडेशन में नहीं पढ़ रखे हैं मेरे से तो उनको वापस मैं ये डिस्कशन करूंगा बट एक हाई लेवल पे सो so दैट हम लोग इन सब चीजों को बहुत इजीली समझ सके जैसे ऐसी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आप प्रोविजन बना रहे हो तो प्रोविजन बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है आप एसेट कोई चीज को लिख रहे हो तो लिखने से पहले कौन से पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या क्या चीज चेक करके ही लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा ये सब चीज जो फाउंडेशन में नहीं पढ़े थे अब इंटर में पढ़ना होगा क्योंकि अब हमको समझना होगा कि एसेट रिकॉर्ड करना तो पता है डेबिट करते ही रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाएगा बट उस एसेट को कब करना है ये भी तो पता होना चाहिए वो पता करने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और लास्ट हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे और इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग कहां घुस जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ए एस टू में तो हम लोगों को ओवर दी फोर फाइव क्लासेस पहले बेसिक्स में सारा डिस्कशन करना होगा जब ये सारा डिस्कशन तुमको समझ में आ जाएगा तो हमारी जर्नी हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट में जाके जहां पे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू डन ठीक है आज के लिए सिर्फ इतना ही आज और कुछ नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास मिलेंगे सुन ले पहले इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है टैक्स की क्लास है टैक्स की क्लास हम लोग चालू करेंगे थ्री फोर्टी फाइव ऑनवर्ड्स मतलब आधी घंटे का ब्रेक है लेके आ जाओ, ले जाओ शांति ये टैक्स की क्लास ना बहुत बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर हम लोगों को ना कुछ क्लासेस करनी है अमित सर की उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हमको क्या करना है सर अभी तक हम मेकअप नहीं कर पाए बहुत जन बहुत कुछ बोल रहे हैं एक हफ्ते टैक्स की क्लास विल बी ओपन फॉर एवरी वन वॉन्ट्स टू तो डू इट लाइव क्लास आप एक हफ्ते कर सकते हैं नो फीस टू बी पेड एक हफ्ते करने के बाद यू टेक योर डिसीजन एंड डिसाइड मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा लाइव क्लासेस का कोई भी नहीं हो सकता और टैक्स जैसे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता जहां हर लाइन पढ़ने के बाद डाउट आएगा। सर ढाई लाख पे बोला टैक्स नहीं लगेगा सर मान लो मैं एक नॉन रेसिडेंट हूं तो लगेगा क्या सर ढाई लाख से पांच लाख के बीच में बोला पांच परसेंट लगेगा सर अगर पांच लाख एक रुपया हो गया तो सर अगर आज ही हम सिक्सटी डेज के हुए सिक्सटी ईयर के हुए तो सर आज हम सेवेंटी फाइव ईयर्स के हुए तो मतलब देर कैन बी एन नंबर ऑफ डाउट इन अ सब्जेक्ट लाइक टैक्सेशन तो जो भी बच्चे आ, जिन्होंने इनरोल किया है वो तो क्लास कर ही सकते हैं जिन्होंने नहीं किया बट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं इट इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू नंबर वन नंबर टू कल ग्यारह बजे आपकी लॉ की क्लास रहेगी क्या क्लास रहेगी लॉ कल एक क्लास रहेगी अकाउंट्स की नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे एंड आफ्टर द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे मतलब अभी अकाउंट्स की थ्री क्लासेस पर वीक होंगी फॉर टू वीक्स सेप्टेंबर फर्स्ट वीक से हमारा चालू हो जाएगा नॉर्मल रूटीन जहां हम लोग चालू करेंगे सिक्स क्लास पर वीक मंडे टू सैटरडे 1:30, 1:35 स्टार्ट करेंगे एंड विल कंप्लीट बाय 3:30, 3:35 जो जेवियर्स की बच्ची है वो आराम से उसके बाद अपने कॉलेज जा सकती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पांच दस मिनट छूटेगा तो उसका बैकअप कर लेना अदरवाइज मैक्सिमम क्लास आपका लाइफ कंप्लीट हो जाएगा धन्यवाद आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच एवरी वन बाय हां बिल्कुल टैक्स का क्लास यहीं पे होगा तो जो यहां बैठे हैं वो बैग छोड़ के जा सकते हैं कल सिर्फ लॉ का क्लास होगा आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में रोज का रूटीन आ जाएगा करेक्ट एकदम वही वाला रूटीन होगा वही रूटीन से होगा खाली जब तक सेम टू का एग्जाम नहीं हो जाता नेक्स्ट वीक नए बुक्स विल बी स्टार्ट डिस्पैच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक जो सेंटर पे आ रहे हैं उनको बुक सेंटर पे मिलेगा जो घर पे है उनको बुक्स डिलीवर हो जाएगा नेक्स्ट वीक से.